उससे शनि की पोजीशन देखिए उदाहरण के तौर पे अगर आपका बृहस्पति और शनि की युति है यानी कि एक ही हाउस में बैठे कहीं भी बैठे हो तो आपके जीवन में जो प्रॉस्पेरिटी आएगी जो आपका भाग्य उज्जवल होगा वो फोर्टी फर्स्ट ईयर के बाद होगा यानी कि फोर्टी फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स होगा आपका भाग्य उज्जवल ऐसे ही हम अपनी पीपीटी में सब डिस्कस करेंगे जहां भी जितनी भी पोजीशंस आगे बैठा है से शनि उसकी एक स्पेसिफिक हैं कि कब आपका भाग्य उज्जवल हो होगा क्योंकि बृहस्पति ब्लेसिंग है बृहस्पति जीवा है बृहस्पति किस्मत है बृहस्पति आपका भाग्य है शनि आपका कर्म कारक है शनि बृहस्पति धर्माधिपति और, और कर्माधिपति योग बनाते हैं जो कि हर एक पद्धति में चाहे पराशरी हो चाहे बी एन एन हो चाहे आपकी लाल किताब हो भले ही चाहे आपकी केपी हो तो ये कहीं ना कहीं ये कैसे योग बनाते हैं धर्माधिपति और और कर्माधि कर। तो हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ और जानने की कोशिश करते हैं आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए देखिए कि आपके पास वेल्थ प्रोस्पेरिटी कब आई और कब नहीं आई आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ कब आएगी कब आपका भाग्य उज्जवल होगा आप बहुत आसानी से प्रेडिक कर पाएंगे किसी भी पत्रिका में या किसी की भी कुंडली में आपको करना क्या है जहां भी बृहस्पति बैठा है वहां से आप शनि की पोजीशन काउंट करेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से साल में आपका भाग्य उज्जवल होगा आपको कौन से साल में वेल्थ की प्राप्ति होगी आपके कर्मों द्वारा और आपके भाग्य द्वारा अगर सेम हाउस में मैं बैठा है तो मैंने बोला था कि फोर्टी फर्स्ट ईयर या फोर्टी सेकेंड ईयर से यानी कि उनकी युति है किसी भी भाव में शनि और जुपिटर बृहस्पति का कंजंक्शन है तो ये दर्शाता है कि आपको फोर्टी फर्स्ट या फोर्टी सेकेंड ईयर में आपका भाग्य उज्ज्वल होगा अगर बृहस्पति से शनि दूसरे भाव में बैठा है यानी कि बृहस्पति आपका फर्स्ट हाउस में और शनि आपके सेकंड हाउस में तो ये क्या दिखाता है कि आपका जो भाग्य उज्ज्वल होगा जब आपका लक आपका साथ देगा आपका प्रोफेशन से आपको दौलत मिलेगी तब वो होगी आपके चालीसवें साल में अगर बृहस्पति आपका फर्स्ट हाउस में और शनि उसके थर्ड हाउस में तो आपका भाग्य उज्जवल या आपकी जो वेल्थ की प्रोस्पेरिटी या आपको जो प्रोस्पेरिटी मिलेगी विल बी इन दी थर्टी नाइन्थ ईयर सिमिलरली अगर बृहस्पति से शनि चौथे भाव में बैठा है जरूरी नहीं कि बृहस्पति सबका पहले भाव में ही हो आप बृहस्पति से गिनेंगे के शनि कितने घर आगे बैठा है तो अपनी कुंडलियों में वो देख लीजिए तो अगर चौथे भाव में बैठा है बृहस्पति से शनि तो आपका भाग्य आपकी किस्मत आपका लक आपकी वेल्थ छत्तीसवें साल में जागृत होगी अगर बृहस्पति से शनि पांच घर आगे बैठा है तो आपका भाग्य आपकी किस्मत आपकी वेल्थ आपकी प्रोस्पेरिटी चौतीसवें साल में जागृत होगी अगर बृहस्पति से शनि छह घर आगे बैठा है तो आपकी भाग्य आपकी प्रोस्पेरिटी आपका लक बत्तीसवें साल में जागृत होगा ऐसे ही अगर बृहस्पति से शनि सप्तम भाव में बैठा है सात घर आगे बैठा है तो आपका भाग्य आपकी प्रोस्पेरिटी इकतीसवें साल में जागृत होगी अगर बृहस्पति से शनि आठ घर आगे बैठा है तो आपकी भाग्य आपकी प्रोस्पैरिटी आपकी किस्मत आपका लक तीसवें जागृत होगा अगर आपका बृहस्पति और शनि यानी कि बृहस्पति से शनि अगर नौ घर आगे है तो आपका भाग्य किस्मत प्रोस्पैरिटी उनतीसवें साल में जाके जागृत होगी अगर बृहस्पति से शनि दस भाव आगे बैठा है तो आपका भाग्य आपकी प्रोस्पेरिटी आपका लक छब्बीसवें साल में जागृत होगा अगर बृहस्पति से शनि ग्यारह भाव आगे बैठा है जहां भी कुंडली में बैठा हो आपका बृहस्पति वहां से आप फॉरवर्ड काउंटिंग करिए और अगर वो ग्यारहवें भाव में बैठा है तो आपका भाग्य आपकी किस्मत पच्चीसवें साल में जाके जागृत होगी ऐसे ही अगर बृहस्पति से शनि बारह घर यानी कि जिसे हम बी में टू ट्वेल्व का कॉम्बिनेशन बोलते हैं बारह पोजिशन आगे है तो आपका भाग्य आपकी किस्मत बाईसवें साल में जागृत होगी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर वन बृहस्पति पहले घर में बैठा है शनि सप्तम भाव में बैठा है तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग चालू करते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात तो जब सात पोजीशन आगे शनि बैठा है तो इस आदमी की या इस जातक की जो भाग्य उज्जवल होगा थर्टी फर्स्ट ईयर में इसका भाग्य उज्जवल होगा इसका लक इसका भाग्य इसकी प्रोस्पेरिटी कम इन दर्टी फर्स्ट ईयर ऐसी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बृहस्पति टेंथ हाउस में बैठा है और शनि फिफ्थ हाउस में बैठा है तो यहाँ से अगर हम गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो यहां शनि बृहस्पति से आठ घर आगे बैठा है तो इस जातक की जो प्रॉस्पेरिटी है जो लक है वो तीसवें साल में जाके जागृत होगा तो इसको आप याद रखिएगा आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं तो उसको अप्लाई करने के बाद आप किसी को भी ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं नक्षत्र जो ये नक्षत्र होते हैं ये मुहूर्त के एक अंग है पांच अंग होते हैं मुहूर्त के से एक अंग आपका नक्षत्रा होता है और जो नक्षत्रा है इट इज देशन ऑफ प्लैनेट्स इन द स्काई सत्ताईस नक्षत्र होते हैं हमारे पहले हम इसमें आपको मैं नक्षत्रा के पीछे एक स्टोरी बता देता हूं ये जितने भी नक्षत्र हैं ये राजा प्रति प्रति प्रतिपति दक्ष की डॉटर्स हैं जितने भी स्टार्स हैं हमारे जो हम इस ब्रह्मांड में देखते हैं वो राजा प्रजापति दक्ष की बेटी हैं जो हमारे चंद्रमा हैं, उनको एक बेटी से प्यार हो गया था जिसका नाम रोहिणी था और चंद्रमा रोहिणी से विवाह करना चाहते थे बट राजा प्रजापति ने इसके लिए सहमी नहीं भरी तो राजा प्रतिपत्ति राजा प्रजापति ने इसके लिए हामी नहीं भरी रोहिणी से शादी करना चाहते हैं उन्होंने चंद्रमा एक शर्त रख दी कि अगर तुम्हें रोहिणी से शादी करनी है तो आपको मेरी बाकी जो और बेटी है उनसे भी विवाह करना पड़ेगा चंद्रमा रोहिणी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे तो उन्होंने शर्त राजा प्रजापति दक्ष की मांग ली और उन्होंने सबसे शादी कर ली शादी के बाद चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा टाइम रोहिणी के साथ व्यस्त करते थे और बाकी अपनी और वाइफ के साथ नहीं करते थे तो बाकी सब बेटियों ने अपने फादर को कंप्लेन करी कि ये तो हमें टाइम ही नहीं देता ये तो अपना मैक्सिमम समय रोहिणी के साथ ही व्यस्त करता है तो गुस्से और क्रोध में आके राजा प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया चंद्रमा को कि तुम इतना सुंदर हो और अपनी तुम सुंदर पा सुंदरता पे तुम्हें इतना घमंड है तो तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम अब सुंदर नहीं लगोगे क्योंकि तुम्हें अपनी सुंदरमा पे बहुत ज्यादा घमंड तुम नजर नहीं आओगे किसी को तो जब ये श्राप दिया तो जितने भी देवता थे उन्होंने कहा भाई अगर चंद्रमा उज्वल ही नहीं होगा तो ये संसार ये जीवन कैसे चलेगा तब तो प्रकाश ही प्रकाश रहेगा अंधेरा तो कभी आएगा ही नहीं तो आदमी तो कभी सो ही नहीं पाएगा विश्राम ही नहीं कर पाएगा तो उन्होंने सारे देवताओं ने राजा प्रजापति को एक, एक रिक्वेस्ट मानो या एक बोलोगे विलम्ब करा यानी कि उन्होंने रिक्वेस्ट के बाद एक प्रार्थना करी कि भाई आप ये श्राप ले लो अपना वापस तो श्राप तो वापस ले लिया नहीं जा सकता तो श्राप में मॉडिफिकेशन कर दी उन्होंने मॉडिफिकेशन ये करी के आधा टाइम महीने में पंद्रह दिन चंद्रमा दिखाई देगा लोगों को और आधा टाइम इट विल बी इन दी लोअर साइड जिसमें वो नजर नहीं आता चंद्रमा आधा आ जाता है जिसे हम किशन पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं कि फिफ्टीन डेज इट इज अ राइजिंग मून एंड फिफ्टीन डेज इट इज अग मून तो इस वजह से चंद्रमा आपको रोज फुल मून नहीं नजर आता तो इसी को ही हम यहां मवसिया भी आती है और पूरन मासी भी आती है दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस एंड जो भी फीमेल्स होती हैं उनकी पीरियोडिक साइकिल मून जैसे भी उनका चंद्रमा जैसे भी प्लेस होता है वो शुक्ल पक्ष में पैदा होती है या फिर कृष्ण पक्ष में पैदा होती है सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दे चंद्रमा मन का कारक है तो आप जो भी चीजें इस कलयुग में डिसाइड करते हैं आप अपने मन से ही ज्यादातर डिसाइड करते हैं एंड चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लानिट और नाड़ी में चंद्रमा सबसे डेंजरस प्लानिट है क्योंकि आपके मन को ये कंट्रोल करता है चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो आपको आबाद भी कर सकता है आपकी कुंडली को अगर खराब होगा तो आपकी कुंडली को बर्बाद भी कर सकता है और चंद्रमा एक राशि में लगभग ढाई दिन तक रहता है और वो एक पूरी सर्कल जो थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री का होता है उसको एक महीने में पूरा कर लेता है सत्ताईस नक्षत्र होते हैं एक अट्ठाईसवा नक्षत्र भी है जिसे हम अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं और ये जो अभिजीत नक्षत्र है ये उत्तर और श्रवण के बीच का नक्षत्र होता है और इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र तो इस नक्षत्र में माना जाता है कि हम कोई भी ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं तो जो ये नक्षत्र हैं, दीज आर कंसोलिड उन सॉलिडेशंस ऑफ कंसोलेशंस ऑफ स्टार्स दैट यू सी और ये सारे जो नक्षत्र हैं ये रानिए हैं चंद्रमा की जो मनी गिविंग स्टार्स होते हैं वो भरनी होता है पूरनमाशु होता है मगा होता है स्वाति होता है जेष्ठा होता है पूर्व भद्रा पद होता है और श्रमण होता है अगर आपकी कुंडली में आप देखिएगा कि कोई भी प्लेनेट इसके अगर नक्षत्र में होंगे तो वो व्यक्ति अमीर होगा एंड ही विल बी बोर्न इन अ रिच फैमिली जितने भी ज्यादा से ज्यादा आपके प्लैनेट्स अगर इस मनी गिविंग नक्षत्रा में होंगे इन सात नक्षत्रों में होंगे तो उतना ही ज्यादा धनवान या अमीर वो व्यक्ति होगा एक कुंडली देख लेते हैं या नीचे ये कुंडली है सूर्य को देख लेते हैं ये सूर्य लिखा है यहाँ हस हस्ता लगा लिखा हुआ है कि जो वर्गों में राशि होती है इसमें जो नक्षत्र आते हैं आपके वो बुध की राशि होती है सूर्य के नक्षत्र आते हैं इसमें उत्तर फाल्गुनी आता है हस्ता आता है और चित्र आता है तो जो सूर्य है तेरह डिग्री का है और दूसरे पदा में है तो ये हस्ता नक्षत्र में फॉल करता है ऐसे ही चंद्रमा दस नंबर साइन में है और ये धनिष्ठा नक्षत्र में है यहाँ धनिष्ठा लिखा है और ये दूसरे पदा में है और इसकी डिग्री सत्ताईस पॉइंट फोर नाइन डिग्री है जी मंगल का नक्षत्र होता है और ये तेईस पॉइंट टू डिग्री से यानी कि तीस डिग्री तक होता है इसमें दो चरण आते हैं मंगल जो है वो श्रवण नक्षत्र में जैसे मैंने आपको बोला था कि श्रवण नक्षत्र में अगर कोई प्लेनेट होगा ये कैप्रिकॉन साइन में आते हैं दस नंबर में आते हैं और ये मनी गेविन नक्षत्र होते हैं तो इस जातक का मंगल जो लग्नेश भी है वो श्रवण नक्षत्र में है और वो मनी गिविंग प्लानिट है ऐसे ही जो मरकरी है उत्तर फाल्गुनी में है चौथे पदा में और इसकी डिग्री एट पॉइंट जीरो टू है वर्गो साइन में क्योंकि जो पहला नक्षत्र होता है वो सूर्य का होता है वो उत्तर पाल्गुनी होता है वर्गो साइन में इसके तीन चरण आते हैं ये उसके बाद वीनस वो भी हस्ता नक्षत्र में है उसकी डिग्री तेईस पॉइंट वन जीरो है और वर्गो साइन में है राहु जो है वो श्रवण नक्षत्र में कैप्रिकोन साइन में बैठा है या श्रावण लिखा है ऐसे चार अगर आप देख सकते हैं इसकी डिग्री उन्नीस पॉइंट फोर टू है और ये भी मनी गिविंग प्लेनेट है इस कुंडली में बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र में है स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो साइन साइन में में जो अनुराधा नक्षत्र का स्वामी है वो शनि देव है ये थ्री पॉइंट टू डिग्री से सिक्सटीन पॉइंट फोर डिग्री तक इसके पूरे के पूरे चार चरण आ जाते हैं एक नक्षत्र के इसमें तो बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र में शनि रोहिणी नक्षत्र में है दो नंबर राशि में बैठा है दो नंबर राशि में ये चंद्रमा का नक्षत्र है और पहली पदा में बैठा है ट्वेल्व पॉइंट फाइव फाइव डिग्री में केतु अश्लेषा पहले पदा में बैठा है और इसकी डिग्री कैंसर साइन में है और कैंसर साइन में जो अश्लेषा है ये का नक्षत्र सिक्सटीन पॉइंट फोर डिग्री से थर्टी डिग्री तक होता है इसमें पूरे चार चरण आ जाते हैं तो इस जातक की कुंडली में दो मनी गिविंग प्लैनेट्स हैं तो आप भी अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कोई भी इन सात नक्षत्रों में कोई भी प्लानिट आ रहा है वो आपके लिए मनी गिविंग प्लैनेट है और तब आपको वो पैसा या धन दौलत लेके आएगा जब उसकी दशा आएगी या वो अंतर दशा में आए बट बी एन एन में कोई दशा का कॉन्सेप्ट नहीं है तो जैसे ही वो गोचर में आएगा ये प्लैनेट जो इन नक्षत्रों को लेके चल रहा है और इन्हीं नक्षत्रों में आएगा यह संपत् से मिलेगा तो आपको पैसा देगा क्योंकि संपत् आपका नंबर टू नक्षत्र होता है जो पैसा देने का नक्षत्र होता है तो नक्षत्र का फुल फॉर्म क्या है इट मींस प्रोटेक्टिंग यू ड्यूरिंग दी नाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन डिप्राइड फ्रॉम नाइट डिस्ट्रक्शन एंड प्रोटेक्टिंग तो नक्षत्रा मींस प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द नाइट एंड नाइट का जो रूलर होता है वो चंद्रमा होता है दैट इज वाई वी कंसिडर मून इन नाड़ी द मून द मेन प्लेनेट विच कैन मेक यूर कुंडली और ब्रेक यूर कुंडली क्षत्रा वु एक्चुअली मीन नाइट डिविजन ऑफ द स्काई विच वुड क्रिएट ए ट्वेंटी सेवन मैं एक नक्षत्रा का जो स्टैन होता है वो तेरा पॉइंट दो डिग्री का होता है और जब हम सत्ताइस को तेरह पॉइंट दो डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो तीन सौ साठ डिग्री आ जाता है जो जोडियक का साइन होता है Since the moon is the lord of the night, it would be the lord of this night sky division of which is called nakshatra, the consolidation of planets. On the other hand, This defines the Rashi chakra with the sun as the overall lord. The daytime ruler is sun. So, इससे हमारे राशि चक्र डिफाइन होते हैं सो इन स्टडी बोथ द डे एंड टू स्टडी बोथ दाइट सो हियर in ट्वेंटी सेवन so, we'll so, zodiac. द नेचुरल constitutes जैसे मैंने कहा थर्टीन पॉइंट टू डिग्री अगर हम सत्ताईस को थर्टीन पॉइंट टू डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीन सौ साठ आएगा और एक नक्षत्र टू डिग्री होता है, इसमें चार पदाज होते हैं और एक पदा थ्री टू डिग्री का होता है, है अगर हम सत्ताईस को चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक सौ आठ पदार्थ टोटल होते हैं हमारे बारह राशि होती है तो इसमें ये पदाज सॉल्व करते हैं तो थर्टीन पॉइंट

केतु से चालू होती है जो काल पुरुष की कुंडली है वो सात साल की होती है और जो केतु के अंदर जो नक्षत्र फॉल करते हैं वो अश्विनी मगा और मूला फॉल करते हैं वीनस बीस साल की महादशा होती है इसमें भरनी पूर्व फाल्गुनी और पूर्व उत्तर शडाया ये तीन नक्षत्रा वीनस में के अंडर इनका लॉर्ड वीनस है सूर्य देव की दशा छह साल की होती है और जो सूर्य के अंदर जो नक्षत्र सॉल्व करते हैं कृतिका उत्तर फाल्गुनी और उत्तर शडाया चंद्रमा दस साल की दशा होती है महादशा उसमें रोहिणी हस्ता और श्रवण ये तीन नक्षत्र चंद्रमा में फॉल करते हैं मंगल में सात साल की दशा होती है इसमें मृक्षाया चित्रा और धनिष्ठा ये तीन नक्षत्र मंगल में फॉल करते हैं राहु में अठारह साल की महादशा होती है आदरा स्वाति और सतभिशा राहु में नक्षत्रा फॉल करते हैं जुपिटर में सोलह साल की दशा होती है पूरा विशाखा और पूर्व भद्रापद ये जुपिटर में ये तीन नक्षत्रा फॉल करते हैं शनि में उन्नीस साल की महादशा होती है पुष्या अनुराधा और उत्तर भद्रापद ये तीन नक्षत्र इसमें फॉल करते हैं बुद्ध में सत्रह साल की महादशा होती है और रेवती ये तीन नक्षत्र उसमें फॉल करते हैं जितने भी आपके फायरी साइंस हैं, वन फाइव नाइन उसमें पहली जीरो टू तेरह डिग्री में केतु का नक्षत्र आएगा यानी कि जो भी नक्षत्र आएगा उसमें नौ नौ की सीक्वेंस में ये नक्षत्र डिवाइडेड है तो जो पहली फर्स्ट राशि में आपका अश्वनी नक्षत्र आएगा वो तेरा जीरो टू तेरह पॉइंट टू डिग्री तक होगा यानी कि चार पद आएंगे दूसरा फाइवी साइन में अगर एक नंबर में ही है ये तेरह पॉइंट टू डिग्री का थर्टी डिग्री का एक भाव होता है तो जो सेकेंड होगा वो वीनस के नक्षत्र आएंगे उसमें चार पद आएंगे थर्टीन पॉइंट टू डिग्री से ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर डिग्री तक और सूर्य का एक पद आएगा छब्बीस चालीस डिग्री से तीस डिग्री तक ऐसी अर्थी साइंस में सूर्य के जीरो टू टेन डिग्री से तीन पद आएंगे जो भी नक्षत्र होंगे इसके और चंद्रमा के अर्थी साइंस में दो छेदस राशि में टेन डिग्री से ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू डिग्री तक इसका नक्षत्र आएगा चंद्रमा का और उसमें चार पद आएंगे सूर्य में ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू डिग्री से थर्टी डिग्री तक मंगल के दो पद आएंगे जो भी नक्षत्र इसमें फॉल करेगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे नक्षत्र फॉल करते हैं इट्स वेरी इजी बस आपको नक्षत्र की सीक्वेंस आनी चाहिए ऐसी एरी साइन में थ्री सेवन इलेवन में जीरो टू सिक्स पॉइंट फोर पे दो नक्षत्र फॉल करेंगे मंगल के मतलब कि एक नक्षत्र कॉल करेगा इसमें दो पदा आएंगे ऐसे सिक्स पॉइंट फोर से ट्वेंटी डिग्री तक एरी साइन में राहु के चारों पदा आएंगे जो भी नक्षत्र होगा और ट्वेंटी पॉइंट थर्टी डिग्री से तीन पदा जुपिटर के नक्षत्रा के फॉल करेंगे वॉटरी साइन में चार आठ बारह में जुपिटर का एक पदा आएगा जीरो टू थ्री पॉइंट टू डिग्री तक और शनि का चार पदा आएंगे थ्री पॉइंट टू डिग्री टू सिक्स 16.4 डिग्री एंड 16.4 डिग्री टू 30 डिग्री मरकरी के चार पदा आएंगे इसमें ब्रेकअप है कि आपको कैसे कैसे एरी साइन में कौन सा नक्षत्र आ रहा है जैसे मंगल एरी साइन का लॉर्ड है पहला नक्षत्र ये सीक्वेंस लिखी है नक्षत्रों की एक से नौ तक पहला नक्षत्र भरनी है अश्वनी है फिर भरनी कृतिका है फिर चार नंबर पे रोहिणी है मृक्षिरा पांच नंबर पे, पे अराद। है छ नंबर पे राधा है है सात नंबर पे पुष्य है और अखिलेशा है नौ नंबर पे तो ये इस ब्लॉक में जैसे लिखा है ये मंगल के मेष राशि में अश्विनी के चारों नक्षत्र आ जाएंगे यानी कि पूरा एक नक्षत्र आ जाएगा उसकी चार पदा होती है वो पूरी आ जाएंगी तो ये पूरा एक टेबल है विच विल क्लियरली टेल यू के कैसे ये नक्षत्र कर रहे हैं यहाँ पे नौ के नौ नक्षत्र चालू हो जाते हैं और यहाँ से फिर आपका टेंथ नक्षत्र चालू होता है यानी कि अखिलेशा के बाद आपका मघा चालू होता है तो मघा केतु का नक्षत्र है तो फिर वही वाली सीक्वेंस चालू हो जाएगी सिमिलरली जो आपका उन्नीसवा नक्षत्र है यानी कि एटीन तक यहाँ खत्म हो जाएंगे उन्नीसवा जो नक्षत्र है वो फिर मूला केतु का है सो so अगेन इसमें चार पद आ जाएंगे फिर आपके शुक्र का नक्षत्र आ जाएगा पूर्व षड और उत्तर षड सूर्य का आ जाएगा एक नक्षत्र उसका आएगा सो इट इज द ब्रेकअप ऑफ नक्षत्र के सी राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं तो केतु से चालू होती है सीक्वेंस केतु वीनस सन जैसे हमारी वो विमचोत्री दशा जो कालपुष कुंडली की चलती है तो इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन टू नो अबाउट योर दशा सीक्वेंस एंड इट इज अगेन अ रिपीटेशन ऑफ दिस चार्ट व्हाट आई शोड यू कि इसमें कौन कौन से नक्षत्र आएंगे और कितनी पद जाएंगी इट्स अगेन रिटर्न यिस चार्ट ऑल्सो शोज यू द सेम थिंग सत्ताईस नक्षत्र होते हैं बारह से डिवाइड इसको कर देते हैं तो थ्री हंड्रेड एंड सिक्स डिग्री आ जाता है इसको मल्टीप्लाई करके बारह राशि होती है तीन सौ साठ डिग्री का एक होता है हर एक राशि तीस डिग्री की होती है हर एक नक्षत्रा तेरह पॉइंट दो डिग्री का होता है और एक नक्षत्रा एक राशि में टू पॉइंट वन फोर नक्षत्रा आते हैं यानी कि नौ पदार आती हैं, चार चार और एक ये इन सबके लॉर्ड्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये इनकी योनि है यानी कि जो भी इनसे एनिमल्स एसोसिएटेड है ये देवताज हैं, इनसे जो नक्षत्रा से एसोसिएटेड है और ये इनकी डेटीज है तो ये इस स्लाइड इसलिए डाली है शुड नो के इन नक्षत्रों का लॉर्ड कौन है और इनकी आप सिंबल्स यूज कर सकते हैं जैसे जो भी आपका सत्ताइसवा नक्षत्र होता है जैसे उदाहरण के तौर पे कृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया था तो ये है रोहिणी नक्षत्र ठीक है रोहिणी से सत्ताईसवां नक्षत्र अगर हम रोहिणी से ऐसे आगे गिरने लगे सत्ताईसवां नक्षत्र कृतिका आएगा कृतिका सूर्य का नक्षत्र है और इसका जो सिंबल है मोर पंख है तो और बासरी है तो किशन जी मोर पंख और बांसुरी लेके चलते थे जो भी आपका सत्ताइसवां नक्षत्र होगा वो आपको विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी मदद करेगा ही इज योर सोलमेट ही विल हेल्प यू एट एनी सोलमेड एनी कॉज इन योर लाइफ वॉट एवर डिफिकल्टीज यू फेस सो यूज दिस सिंबल्स ऑफ नक्षत्र और योर योर सोलमेट इन लाइफ इट विल प्रोटेक्ट यू इट विल बी विद यू अनकंडीशनली ही विल फेवर यू In all these spheres of your life, so you can use the symbols, you can use the articles of that nakshatra, you can use the pictures of that nakshatra, you can use the consolidation, constellation stars, how that nakshatra is formed. So you can all use this in your life. The more you use this in your life, the more problems that come in your life. Will go away very soon. तो ये जो पहला हमारे पास जो नक्षत्र होता है जो जिस भी जो भी आपका जब भी जन्म होता है आपका तो आपका जन्म कालीन चंद्रमा किसी ना किसी नक्षत्र में होता है और जिस नक्षत्र में होता है उससे आपकी विमशोत्री दशा चलती है जो पहला नक्षत्र जिस आपकी विमशोत्री दशा चलती है उस नक्षत्रा को हम जन्मा बोलते हैं और यह आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए होता है जो सेकंड नक्षत्रा उसके बाद आता है जो भी आपका जन्म नक्षत्रा है वो कोई ना कोई प्लानिट का नक्षत्र होगा तो उससे आपकी विमचोत्री दशा चलेगी जो दूसरा उसके बाद जो दशा आएगी आपकी उसको हम संपथ बोलते हैं दीज संपत्थ इज योर वेल्थ गिविंग प्लान उसके जितने भी नक्षत्र होंगे फॉर यू दे आर दी वेल्थ गिविंग प्लैनेट मीन्स उसके वो जो नक्षत्र आएंगे वो वेल्थ गिविंग होंगे द संपत्थ इज प्लान एंड सीड्स फॉर योर वेल्थ एंड फैमिली एंड एजुकेशन कि दूसरा घर है दूसरा घर आप रिलेट कर सकते हैं कि accumulated knowledge का है, खान पान का है स्पीच का है और जो पहला घर होता है इट इज यू योर सेल्फ तीसरा जो होता है विपत हो, विपत होता है ये मतलब कि जब आप बड़े हो जाते हो और आपको टफ टाइम्स लाइफ में चैलेंजेस फेस करने होते हैं तो विपद जो होता है इट गिव्स यू स्ट्रगल इट गिव्स यू फाइट इसमें आप की शादीशुदा जिंदगी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब भी विपद की तीन नंबर की नक्षत्र की दशा चलती है जो भी प्लानिट जो भी नक्षत्र है उसमें तीन नंबर में आ रहे हैं जो भी प्लानिट के होंगे वो जब भी आएंगे तो आपको थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम्स की सामना करना पड़ेगा शेमा में ये एक्सपैंड करता है चौथा घर आपका हार्ड प्लेजर्स का है तीसरा हार्डवर्क का है तो थोड़ा स्ट्रगल वगल वो तीसरे में दिखाता है चौथा घर यानी कि फोर्थ जो आपका नक्षत्र है उसे हम शेम बोलते हैं वो आपको कंफर्ट्स देता है आपको घर दिलवाता है आपको पीस ऑफ माइंड दिलवाता है आपको प्लेजर्स देता है मींस इट इज ऑल अबाउट सुख द फोर्थ हाउस अबाउट योर सुख सो शेमा प्रोवाइड यू ऑल द स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी एंड ऑल योर कंफर्ट्स इन लाइफ योर लग्जरीज एंड ऑल योर हाउस योर कंफर्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय शेमा पांच नंबर का जो होता है उस सीरीज में जो नक्षत्र होता है ये तारा सीरीज की हम बात कर रहे हैं पतियारी बोलते हैं ये आपको डिप्रेशन टेंशन फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ता है क्योंकि तो ये जो सीक्वेंस बनी है ये आपके जन्म के हिसाब से बना रखी है हमारे ऋषियों ने क्योंकि तो जब आप पैदा होते हैं तो बच्चे को अपने सर्वाइवल का चाहिए होता है जब वो जन्मा की फेज चली जाती है तब तो वो संपर्क में आ जाता है He plans about his joint family, his speech, his education. He accumulates education. He knows what wealth is. उसको सस्टेन sustain, सस्टेनेबिलिटी चाहिए ना खान पान का भी घर है तो तीसरे में क्या होता है हार्डवर्क होता है आपका विलोर होती है आपकी मेहनत होती है स्ट्रगल को दिखाती है तो इसलिए वो विपत होता है आता है, वो बच्चों का स्थान होता है। तो आदमी को फिर टेंशन हो जाती है जब घर वगैरह सब कम्फर्ट वगैरा ले लेते हैं वो बच्चों की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है कि भाई मेरे बच्चे क्या करेंगे सो इज फ्रस्टेटेड सो पथियारी इज अ प्रॉब्लम साधक गिव्स यू स्टेबिलिटी इट गिवस यू मेच्योरिटी इट गिवस यू enjoyment it is the nakshatra for your achievements your success vada is means it will give you major problems it is mrityu Kast. when the seventh nakshatra is operating it is mrityu Kast. Then the eighth nakshatra is your mitra. He is your friend who is ready to help you. And your ninth nakshatra is your soulmate who unconditionally or your friend unconditionally standing 24/7 by you. So that is the Ati Mitra. In Kalpur like जो हमारी कालपुरुष कुंडली की मिमछोत्री दशा होती है वो केतु से होती है तो केतु जन्मा हो गया प्लैनेट वन टेन नाइनटीन इसके नक्षत्र होते हैं तो हम इसको बर्थ नक्षत्र बोलते हैं शुक्र संपत हो जाता है पैसा है का ग्रह हो जाता है तो हम इसको दो दस बीस बोलते हैं दो ग्यारह और ट्वेंटी जो नक्षत्र होते हैं वो शुक्र में फॉल करता है सूर्य में विपत हो जाता है जो को दर्शाता है तीन बारह और ट्वेंटी फर्स्ट नक्षत्र शुक्र में फॉल करता है ऐसी चंद्रमा शेमा हो जाता है इमोशंस का कारक है जो जो चौथा तेरवा और बाईसवा नक्षत्र होता है वो चंद्रमा का होता है उस सीरीज में जो मैंने आपको अभी दिखाई थी ये ऊपर वाली मंगल पतियारी होता है आपका ऑब्स्टिकल्स लाता है आपको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है फिफ्थ फोर्टीन और ट्वेंटी थर्ड नक्षत्र होता है राहु आपका साधक होता है अचीवमेंट सक्सेस आपको वर्ल्ड प्लेजर्स इसके बारे में छह पंद्रह और चौबीसवा नक्षत्र राहु का होता है गुरु इस नायधाना और वदा इट इज एन अनफेवरेबल नक्षत्र व्हिच इज द सेवन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी नक्षत्र इन द सीरीज शनि is your Mitra, your best helping friend, which is the 8th, 17th and 26th. And Buddha is your Ati Mitra, soulmate for life. It is the 9th, 18th and 27th. Now this is, uh, if you are born in the Ketu Nakshatra, Aapka Janam Kalin Chandrama, Aapke जब आपका जीवन प्रारंभ हुआ तो अगर वो केतु के नक्षत्र में है होगा तो आपके नव नवतारा सीरीज केतु से चालू होगी एंड दीज विल बिकम योर जन्म संपत विपत शेमा पतियारी साधक मैधाना मित्रा एंड अति मित्रा बट फॉर एवरीवन इट विल चेंज इट डिपेंड्स के आपका चंद्रमा कौन सी नक्षत्र में है आपके जन्म के टाइम पे जिससे आपकी विमशोत्री दशा चालू हुई है तो ये उसी की है कि अश्वनी से आपकी ये चालू हुई तो अश्वनी में ये केतु का नक्षत्र होता है तो आपका जन्मा नक्षत्र अश्वनी है मगा है और मूला है ऑल दी थ्री नक्षत्र विल बी रेटेड एज नंबर वन योर जन्मा नक्षत्र देन इज वीनस भरनी पूर्व फाल्गुनी और पूर्व उत्तर शडाया ये आपके संपत्त आपके पैसे के नक्षत्र हैं ऐसी विपत ये ऑब्स्ट्रक्शन लाएंगे थोड़ा हार्ड वर्क कराएंगे वो इस सीरीज में है अगर आप केतु में आप का जन्म हुआ केतु के नक्षत्र में then you will follow this series. तो जितने भी ये तीन नंबर के आ रहे हैं इसमें सूर्य के नक्षत्र हैं, ये आपको प्रॉब्लम देंगे आपको हार्डशिप्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कृतिका उत्तर फाल्गुनी और उत्तर चढ़ाया ऐसी शेमा आएगा रोहिणी Asha और श्रवण ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं इस सीरीज में इसमें आपको अचीवमेंट्स uh, मिलेंगी विल गेट कंफर्ट्स क्योंकि शिमा इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट्स इन लाइफ आपकी सुख जीवन के सो इट इज अ गुड नक्षत्र देन द फिफ्थ नक्षत्र इज अगेन बैड

योर ओवरऑल अचीवमेंट योर ओवरऑल सक्सेस इन लाइफ गुड नक्षत्र जब भी इसकी दशा आएगी तो आपको अचीवमेंट सारी चीजें मिलेंगी ऐसी ही ये प्रॉब्लम्स देता है मृत्यु को ले कष्ट देता है तो इस सीरीज में ये जुपिटर के नक्षत्र हैं तो जब भी आपके ग्रह पूरण वासु में जाएंगे विशाखा में जाएंगे या पूर्व भद्रापद में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम जाएंगी ऐसी मित्रा कुश्या अनुराधा और उत्तर भद्रापद ये शनि के नक्षत्र हैं आपके मित्र बोले जाते हैं दे विल हेल्प यू एंड अखी मित्र इज मरकरी अखीलेशा जेष्ठा और रेवती जब ये नक्षत्र ऑपरेट करेंगे आपके जीवन में तब आपके जीवन में देर विल बी पीपल टू हेल्प यू अराउंड मीन्स दे विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू इन ऑल योर स्ट्रगल ऑफ लाइफ सो लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू योर जन्मा इज योर बर्थ नक्षत्र इज योर वेल्थ नक्षत्र योर विपत नंबर थ्री इज योर डेंजर विच रिप्रेंट योर डेंजर एंड योर हार्डवर्क क्षेमा इज योर योर हीलिंग कंफर्ट्स योर लग्जरीज पथियारी इज योर ऑब्स्टिकल्स

ये कुछ एजेस हैं इन नक्षत्रों की यू शुड नो द एजेस अश्विनी की तीन साल है बर्नी की तीन साल है कृतिका की छह साल है रोहिणी की पांच साल है मुरक्षेरा की तीन साल है आद्रा की चार साल है पूरेन वासु की चार साल है पुष्या की जो आठवां नक्षत्र है उसकी तीन साल है अखिलेशा की छह साल है मगा की पांच साल है पूरे वासु पूर्व फाल्गुनी दो साल है उत्तर फाल्गुनी चार साल है हस्ता पांच साल है चित्रा की एक साल है ये चौदह हो गए और तेरा नक्षत्र यहाँ और है स्वाति की एक साल है जो आपका पंद्रवा नक्षत्र होता है विशाखा आपकी चार साल है सत्रवा नक्षत्र जो अनुराधा होता है उसकी एक साल है ज्येष्ठा की तीन साल है मूला की ग्यारह साल है पूर्व अषढ़या पूर्व छाया आपकी दो साल है उत्तर चढ़ाया दो साल है श्रवण की तीन साल होती है, है सदविशा की इस साल होती है और पूर्व भद्रापद की दो साल होती है और उत्तर भद्रापद की भी दो साल होती है और रेवती की बत्तीस साल होती है तो जिस भी आप जन्मे हो तो उसको आगे से गिरने लग जाते हो तो आपको पता चल जाएगा अभी आपका कौन सा नक्षत्र इस टाइम पे आपकी एज के ऑपरेशन मतलब इज ऑपरेटिंग कौन सा नक्षत्र आपके इस साल में ऑपरेट कर रहा है तो अगर कोई धनिष्ठा में पैदा हुआ है तो चार साल तक उसका धनिष्ठा चलेगा फिर एक साल तक यानी कि पांचवें साल में आएगा फिर पूर्व भद्रपद आएगा दो साल यानी कि छह साल हो गए उत्तर भद्रपद दो साल के लिए और आएगा यानी कि आठ साल हो गए आठ और बत्तीस यानी कि रेस्ती चलेगा आठ से लेके चालीस साल तक फिर चालीस साल के बाद यह सीरीज खत्म होगी तो फिर आप ऊपर जाओगे फिर अश्विनी चलेगा फोर्टी थ्री ईयर्स तक फिर भजनी चलेगा फोर्टी नाइन ईयर्स तक फोर्टी नाइन से कृतिका चलेगा फिफ्टी फाइव तक फिर रोहिणी चलेगा तो ऐसे ये ये कालखंड होगा इन नक्षत्रों की एजेस का आपको ये समझना जरूरी है जब हम गोचर या प्रोग्रेशन आगे चलेंगे कि चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन तक रहता है और एक राशि में ऑलमोस्ट ढाई दिन तक रहता है जो बुध होता है वो एक राशि में एक सॉरी नक्षत्र में छह से आठ दिन तक रहता है और पच्चीस दिन एक राशि में रहता है सूर्य चौदह दिन एक नक्षत्र में रहता है यानी कि एक नक्षत्र थर्टीन पॉइंट टू डिग्री का होता है और तीस दिन एक राशि में रहता है ऐसे ही वीनस ग्यारह दिन एक नक्षत्र में रहता है और चालीस दिन एक राशि में रहता है मंगल बीस दिन एक नक्षत्र में रहता है और लगभग पैंतालीस दिन एक राशि में रहता है एक सौ साठ दिन एक नक्षत्र में रहता है यानी कि थर्टीन पॉइंट टू डिग्री में और तीन सौ पैंसठ दिन वो एक राशि में रहता है या बारह महीने एक एक राशि में रहता है राहु केतु दो सौ चालीस दिन एक नक्षत्र में रहते हैं और फाइव ट्वेंटी सेवन डेज या अठारह महीने वो एक राशि में रहते हैं शनि चार सौ दिन एक नक्षत्र में रहता है और नाइन नाइनटी थ्री डेज यानी कि तीस महीने तक यानी कि ढाई साल तक एक राशि में रहता है ये चार्ट था इस चार्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके संपत्त कौन है विपथ कौन से ग्रह हैं पतियारी कौन से ग्रह हैं जो भी ये नक्षत्र हैं तीन पांच और सात दे आर प्रॉब्लमेटिक इन योर लाइफ जब भी वो ऑपरेट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी इस व्यक्ति का धनिष्ठा चंद्रमा जब ये व्यक्ति पैदा हुआ तो चंद्रमा का नक्षत्र मंगल था और चंद्रमा उस टाइम धनिष्ठा नक्षत्र में था तो इसका जो भी दशा चालू होगी वो मंगल से चालू होगी अब कितने डिग्री पे मंगल है इक्कीस पॉइंट टू डिग्री पे मंगल है तो तीस डिग्री का स्पैन है तो मंगल की जो आपको दशा है वो सात साल की है तो लगभग इस व्यक्ति को ढाई एक साल की मंगल की दशा से प्रारंभ हुआ होगा इसका जीवन का अखंड काल इससे प्रारंभ हुआ होगा तो इस व्यक्ति के लिए धनिष्ठा नक्षत्र है तो तेईसवा नक्षत्र है तो जन्मा क्या हो जाएगा मंगल के जो भी नक्षत्र हैं धनिष्ठा चित्रा। तो इज जन्मा संपत मंगल के बाद राहु आता है तो वो इसका संपत बन जाएगा सतभिशा आदरा और स्वाति तो जब भी ये प्लैनेट्स ना इसमें जाएंगे शनि या जुपिटर राहु से गोचर करेंगे तो इस व्यक्ति को पैसा मिलेगा आपका शुक्र इससे जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा संपत्ति से ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे बाकी हम देखेंगे कौन से ग्रह पैसा देते हैं कौन से ग्रह पैसा नहीं देते हैं जब भी कोई कारक विपत से नक्षत्र में जाएगा वो प्रॉब्लम्स को दर्शाता है हार्डवर्क को दर्शाता है तो आपको अगर मान लो इस व्यक्ति का विपद बृहस्पति है, तो कभी कोई बदरा, हैद्रा या विशाखा से ट्रांजिट करेगा तो इस व्यक्ति के उस कारक को प्रॉब्लम आएगी अगर सीमा से जाएगा सीमा इज ऑल अबाउट लग्जरी इज वेल्थ कंफर्ट्स तो इस व्यक्ति का शनि है जब भी कोई उत्तर भाद्रपद पुष्य या अनुराधा से शनि के नक्षत्र से प्लेनेट जाएंगे, तो इट विल बी गुड दैट टाइम ही गेट कंफर्ट्स लग्जरीज इन लाइफ जब कोई भी प्लेनेट यानी कि पतियारी से जाएगा पतियारी इसका मरकरी है इस कुंडली में तो अगर कोई रेवती से अखिलेशा से जिष्ठा से जाएगा तो इसको ऑब्स्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ेगा इसको डिप्रेशन होगा ये सारी चीजें जो उस पांचवें नक्षत्र का काम है जो भी आपकी कुंडली में बनता है पतियारी का काम प्रॉब्लम्स देना है ऑब्स्ट्रक्शन देना है साधक आपको अचीवमेंट देता है तो इस व्यक्ति की कुंडली में साधक तो सॉरी साधना इज अश्वनी इट इज द नंबर सिक्स नक्षत्र केतु का नक्षत्र है अश्विनी मेगा और मूला जब भी कोई प्लेनेट इससे जाएगा साधक से जाएगा तो इसको अचीवमेंट्स मिलेंगी इसको सक्सेस मिलेगा कोई भी वजह से जाएगा या वेदाना से गुजरेगा पूर्व फाल्गुनी और पूर्व उत्तर शटाया ये वीनस का नक्षत्र है, सातवां नक्षत्र है जब भी कोई प्लेनेट इस नक्षत्र से जाएगा तो उस कारक को प्रॉब्लम आएगी ऐसी कोई प्लेनेट इस कुंडली में अगर सन के नक्षत्र से जाएगा तो सन इसका मित्र है कृतिका, का उत्तर फाल्गुनी और उत्तर शाय से जाएगा सो पीपल विल सपोर्ट एड दोस्तों का इसको सपोर्ट मिलेगा और जब भी कोई प्लेनेट चंद्रमा के नक्षत्र से जाएगा रोहिणी हस्ता और श्रवण से जाएगा तो पीपल विल कम ऑल द वे अनकंडीशनली टू सपोर्ट एंड to to offer him him whatever problems problems. he has to get him out of the problems. so this is your टू ऑफर for him. एवर तो प्रॉब्लम कुंडली में जैसे मैंने बताया कि ये व्यक्ति ये जातक जब इसने जन्म लिया तो इसका चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में था तो मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा होता है तो इसका जीवन काल मंगल से तो चालू हुआ तो मंगल इसका जन्म तारा बन गया राहु इसका संपत बन गया बृहस्पति जो तीन नंबर का है इसका विपद बन गया यानी कि डेंजर तारा जिसको हम बोलते हैं शेमा इसका शनि बन गया वेलबींग का कारक बन गया पतियारी इसका ऑब्स्ट्रक्शन लाने का कारक मरकरी बन गया जो पांचवा नक्षत्र होता है साधाना इसका केतु बन गया जो अचीवमेंट्स और सक्सेस को दर्शाता है ना तारा इसका शुक्र बन गया जो डेथ मृत्यु कष्ट जैसे प्रॉब्लम्स देता है वो इसका शुक्र बन गया इस जातक की कुंडली में मित्र तारा सूर्य बन गया फ्रेंड बन गया और परम मित्र इस जातक की कुंडली में सोलमेट बन गया वो इसका मित्र तारा हो गया अब हम एनालिसिस कैसे करेंगे अगर अब हमने प्लैनेट देखना है कि इस कुंडली में अच्छा है या बुरा है आपको सबसे पहले प्लैनेट को देखना है तो इस कुंडली में जो मैंने आपको बताया चंद्रमा परम मित्र है सो इट इज गुड इसका चंद्रमा यूटी प्लैनेट है जो हम केपी में कहते हैं कि खुद भी रिजल्ट देगा तो जो नाइन नंबर का तारा है मैंने यूटी के आगे नाइन लिख दिया है क्योंकि चंद्रमा यहाँ मित्र है तो चंद्रमा के नक्षत्र एज अ प्लानिट ये तो नक्षत्र हो गए जो मैंने आपको बताया है कि आपके लिए कौन से नक्षत्र अच्छे हैं और कौन से नहीं है इस व्यक्ति के लिए विपत्त के नक्षत्र यानी कि जुपिटर के नक्षत्र प्रॉब्लमैटिक है मरकरी के नक्षत्र ये रेवती अखिलेशा जे स्टार और शुक्र के नक्षत्र प्रॉब्लमेटिक हैं इसके लिए भरनी पूर्व फाल्गुनी और पूर्व उतर चढ़ाया ये थ्री फाइव सेवन के नक्षत्र आर प्रॉब्लमेटिक फॉर हिम द गुड आर द सेकंड फोर्थ सिक्स एट एंड नाइन्थ दीज आर गुड फॉर हिम तो यहाँ हमने कहा वो नक्षत्र अच्छे हैं अब इसका प्लेनेट अच्छा है या नहीं है इसको हम कैसे जानेंगे बस हमें वो पता होना चाहिए कि प्लेनेट कौन से नक्षत्र में जैसे अब चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में था चंद्रमा इसका नौ नंबर का तारा है तो हमने नाइन लिख दिया नाइन नंबर यानी कि परम मित्र होता है और मंगल इसका जन्मा है एक नंबर लिख दिया तो एंड रिजल्ट हमें क्या मिला ये यूटी प्लेनेट है चंद्रमा भी अपना रिजल्ट दे रहा है मंगल के साथ दे रहा है वैसे तो प्लेनेट नक्षत्र के थ्रू रिजल्ट देता है ये नक्षत्र लिखे हुए मैंने इसकी कुंडली में कि कौन कौन से नक्षत्र हैं तो बाकी कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आपने नक्षत्र लिखने हैं या कौन से नक्षत्र में वैसे तो इस चार्ट में भी ऊपर लिखा ही हुआ है कि ये कौन से नक्षत्र में श्रवण में श्रवण में धनिष्ठा में चंद्रमा तो आप देख सकते हैं कौन सा प्लेनेट का वो नक्षत्र आता है नाउ ऑन द होल मून इज वेरी गुड क्योंकि वन और नाइन जन्मा और नाइन यानी कि अति मित्र इज गुड मंगल इसका जन्मा है नंबर वन है पहला नक्षत्र है इसका और वो मून के नक्षत्र में है जो कि उसका परम मित्र है विच इज वेरी गुड अगेन सूर्य आठ नंबर का तारा है इसका इसकी कुंडली में जो मित्र आता है उसका नक्षत्र सूर्य का चंद्रमा है तो एट और नाइन यानी कि मित्र और अति मित्र दिस प्लेनेट इज एक्सेलेंट इन हिस कुंडली सूर्य सो ही विल हैव फेम स्टेटस फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड सूर्य गुड बैकग्राउंड सुज यू कैन डिपेट बाई नॉट इवन सिंग द कुंडली आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई उसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है अब क्या है कि सूर्य या यूटी नहीं है इसका रिजल्ट चंद्रमा दे रहा है तो ये एक्सेलेंट हो गया क्योंकि वो अति मित्र है इसकी कुंडली में यहाँ ये दोनों रिजल्ट दे रहे थे जहां थोड़ा जन्मा आ जाता है तो इट इज मोर सर्वाइवल बच्चे को जो पैदा होता है तो उसको सरवाइव करना होता है तो आई हैव रिटन वेरी गुड नॉट बैड आल्सो इट इज न्यूट्रल परम मित्र आ रहा है तो वो कहीं भी सोलमेट की तरह काम करेगा और किसी भी विपरीत से विपरीत स्थिति में भी आपके सामने खड़ा रहेगा पहले मेरे को मार दो फिर आपको मारे सो सन इज एक्सलेंट शनि इज शिमा नंबर फोर विच इज गुड क्षत्र में है चंद्रमा के नक्षत्र में जो नाइन है शनि so यहाँ कोई नेगेटिव आ नहीं रहा चार और नो आ रहे हैं सो ही विल है ही विज चंद्रमा आ रहा है चंद्रमा के कारक भी जोड़ सकते हो कि ट्रैवल होगा कैश लिक्विडिटी होगी इसके प्रोफेशन में कैश लिक्विडिटी का बहुत आदान प्रदान होगा इसके प्रोफेशन में बट चंद्रमा आ रहा है तो ही विल चेंज इज कैरियर ऑल्सो क्योंकि चंद्रमा चेंज का कारक है फिकल माइंडेडनेस का कारक है तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में भी चेंज ही दर्शाता है बट ओवरऑल सैटन इज गुड बिकॉज सैटन इज इन द मित्र जुपिटर इसका यूटी प्लैनेट है जो तीन नंबर का विपत्त कैटेगरी में आता है तो प्रॉब्लमेटिक है अगर ये यूटी नहीं होता तो सैटन में आ जाता तो जुपिटर वुड हैव बीन वेरी गुड अभी क्या इट इज गुड कि जुपिटर भी रिजल्ट दे रहा है और सैटन भी इसके रिजल्ट दे रहा है तो यह छेवा कैटेगरी में आ रहा है

because his shema was good his jupiter dasha was giving a shema so which made him rise in his profession chani is the karaka for professions although there were ups and downs i am not telling that there were no ups and downs but on the whole jupiter dasha was excellent because it was good 3 and 4 it was showing so agar key कभी सूर्य की या सन की दशा अगर आती है तो गोइंग टू बी वेरी एक्सलेंट अब वीनस की दशा वीनस भी यूटी प्लान है दादा है, तो वीनस एज अ प्लैनेट खराब है इसकी कुंडली में ऐसे ही जुपिटर एज अ प्लैनेट खराब है इसकी कुंडली में वो तीन नंबर का और मरकरी एज अ प्लेनेट खराब है कुंडली में क्योंकि क्यों पांच नंबर का नफतारा है

क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग है फिफ्थ इज मोर ऑब्स्टिकल्स मोर हिंडरेन्सेस विपत इज डेंजर, इट इज हार्ड वर्क पतियारी इज नंबर फाइव इज ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ चैलेंजेस इन योर लाइफ एंड नायधाना इज लाइक मृत्यु सूर्यकाश सो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन 7 एक के साथ 7 आ रहा है 7 के साथ 9 आ रहा है सो देयर इज सम प्रोटेक्शन एक के साथ मित्र आ गया तो फ्रेंड्स आर देयर इन मरकरी दशा राहु इज अगेन अ यूडी प्लेनेट इन हिज कुंडली तो संपत है वहां व्हिच इज नंबर 2 एंड मून इज देयर सो राहु इज एन एक्सीलेंट प्लेनेट फॉर हिज कुंडली क्योंकि दो और पांच आ गया पैसा भी आ गया बेस्ट फ्रेंड भी आ गया अति मित्र भी आ गया केतु भी यूटी प्लेनेट है इस कुंडली में तो वो सायदाना है वो पांच नंबर उसका नक्षत्र मरकरी है जो पतियारी है सो इट इज एवरेज सिक्स एंड फाइव हैट जो इसके रिजल्ट देता पतियारी के तो पांच नंबर के रिजल्ट मिलते हैं मतलब जब केतु की दशा आती तो इस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स हार्डशिप्स ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ के चैलेंजेस फेस करने पड़ते क्योंकि पांच नंबर नक्षत्र आगे ना तो ऐसे आप कुंडली बंद करके ये नक्षत्रों के बेस पे ही आपको पता चल जाएगा कौन सा ग्रह है, पैसे देगा कौन सा ग्रह पैसे नहीं देगा जब भी आपके कोई ग्रह का एनएल संपत्ति बनेगा या फिर सीमा बनेगा या फिर सायधाना बनेगा छ नंबर का या फिर मित्र बनेगा या फिर अति मित्र बनेगा वो ग्रह आपको पैसा देगा उसमें जब वो ग्रह गोचर करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी बृहस्पति और शनि नेटल चार्ट में शुक्र के ऊपर से गोचर करते हैं तो उस गोचर में इस व्यक्ति को हम बोलते हैं में 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 हो 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 या या तो सपोर्ट होता है तो उस व्यक्ति को पैसे मिलते हैं मतलब कि हमने कहा ही विल गेट मनी फ्रॉम फ्रॉमिस कर्मास और फ्रॉमिस फ्री विल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेवर आपका राहु मंगल चंद्रमा या वीनस के ऊपर से गोचर करते हैं युति में हो ट्राइन में हो या वन सेवन के एक्सेस में हो तो मैंने कहा कि आपको वेल्स कमाने में प्रॉब्लम आएंगी <coughs> बट अगर जुपिटर उसी ट्राइन में गोचर कर रहा हो या आपके नेटल चार्ट में उसी में जुपिटर बैठा हो तब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे या फिर आप राहु का चंद्रमा का मंगल का या केतु का कार्य कर रहे होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जब ये वीनस के ऊपर से गोचर करते हैं मेन तो आपको राहु केतु और शनि और जुपिटर का गोचर देखना चाहिए क्योंकि वो लंबे समय के लिए होता है बाकी गोचर तो एक एक महीने के या मैक्सिमम चालीस दिन का या पैंतालीस दिन का गोचर होता है तो ऐसे ही जब भी शनि और बृहस्पति दोनों आपके नेटल शुक्र के ऊपर से गोचर करते हैं उस टाइम आपको अच्छी दौलत इनॉनमस वेल्थ प्रोस्पेरिटी आपको मिलती है थ्रू योर प्रोफेशन एंड थ्रू योर विल योर कर्म और योर पास डीड्स बिकॉज जुपिटर इज ब्लेसिंग एंड तो उस टाइम आपको अच्छी दौलत की प्राप्ति होती है अगर आपका जुपिटर और शनि आपके नेटल वीनस से मिलता है और ये इनका गोचर उस टाइम आपके विपत में हो रहा है पतियारी में हो रहा है या नाधाना में हो रहा है यानी कि विपत तारा में हो रहा है पतियारी तारा में हो रहा है या नाइधाना तारा में हो रहा है थ्री फाइव सेवन में हो रहा है तो इस व्यक्ति को वेल्थ कमाने में प्रॉब्लम आएगी चाहे भले ही आपको आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं भाई जब जुपिटर का गोचर ओवर नेटल वीनस से होगा या सैटन का नेटल वीनस से होगा गोचर ऊपर या ट्राइन में हो तो आपको पैसे की प्राप्ति होगी भैया आपको पैसे की प्राप्ति नहीं होगी अगर वो विपत तारा में पतियारी तारा में या नायदाना तारा में गोचर हो रहा होगा उनका तो आपको प्रॉब्लम आ जाएंगे इन अर्निंग वेल्थ यू विल फेस मेजर प्रॉब्लम सो रिमेंबर दिस विपत्त से अगर होगा तो आपको टफ टाइम होगा आपकी लड़ाई झगड़े होंगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसा कमाने में थ्रू योर किस्मत थ्रू योर भाग्य एंड यू विल हैव रिलेशनशिप प्रॉब्लम इन योर मैरिड लाइफ विद पीपल विद योर वाइफ एंड ऑल जब वो विपत्त से जाएगा आपका जीवा चाहे भले ही उस टाइम में वीनस हो आपको थोड़ा विपत में क्या है कि आपको टफ टाइम फेस करना पड़ेगा लड़ाई झगड़े होंगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी धन दौलत कमाने के लिए अगर जुपिटर या सैटन के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और वो पतियारी तारा में यानी कि पांच नंबर के तारा में उस नक्षत्र से वो गोचर कर रहे हैं जैसे इस कुंडली में पतियारी बुद्ध था तो अगर बुद्ध के किसी भी नक्षत्र से वो गोचर कर रहे हैं तो इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी धन कमाने में तो जो भी बुद्ध के आपके अखिलेश ज्येष्ठा या रेफती में अगर ये गोचर करेंगे प्लानिट और ये वीनस भी में होगा नेटल चार्ट में तो इसको प्रॉब्लम आएगी अगर बृहस्पति और शनि नेटल वीनस के ऊपर से तारा में इसका नाधाना तारा शुक्र है अगर उसके शुक्र के यानी कि भरनी नक्षत्र में पूर्व फाल्गुनी में या पूर्व शडाया में गोचर कर रहे होंगे तब इस व्यक्ति को मृत्यु तुले सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी मेजर फ्रस्ट्रेशन आएगी और इस व्यक्ति का काम नहीं होगा पैसे वाली सिचुएशन नहीं होगी नो मनी काइंड तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जब भी आपका गोचर में बृहस्पति या शनि वीनस आपके नेटल चार्ट से ऊपर कर रहा है चाहे कोई भी प्लेनेट आपका इनसे जाएगा आपकी कुंडली में उस कारक को प्रॉब्लम आएगी पतियारी में क्या होगा आपको डिप्रेशन फेस करनी पड़ेगी आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी और में क्या होगा यू मेजर फ्रस्ट्रेशन आपके पास काम नहीं होगा बोलोगे यार इसे बंद करो तो नए में बेस्ट है मीन कोई भी आपने काम चालू करा हो तो उसको वह क्लोजिंग सेरेमनी कर दो काम की इज़ इज़ विल एक्ट बिकॉज़ इट एंड ऑफ़ अ सिचुएशन। तो अगर आपने जैसे पढ़ाई करी है और आपका कारक बुध है नॉर्मल कारक पढ़ाई का और बुध का गोचर उस दिन मतलब कि बुध आपकी कुंडली में पच्चीस दिन तक एक राशि में रहता है और लगभग बुध जो रहता है कितने दिन एक उसमें रहता है अः चार्ट में हमने कहीं लिखा था तो मरकरी आपका छह से आठ दिन तक रहता है तो उस छह से आठ दिन में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको आप उस टाइम के लिए बंद कर दें फिर चालू कर लें जब वो तारा से निकल जाएगा बिकॉज दैट तारा शोज द एंड ऐसे ही ये कुछ यूथिये हैं जस्ट रन थ्रू द यूथी नॉट टेक मच टाइम फिर उसके बाद एक चार्ट लगा के आपको समझाता हूं कि तारास कैसे काम करेंगे अगर आपका कोई भी तारा शुक्र के साथ युति में है ट्राइन में है तो वो आपको धन दौलत देगा वो प्लेनेट जो भी युति में है या ट्राइन में है या टू ट्वेल्व में है या वन सेवन के एक्सेस में है इट विल ब्रिंग लग्जरीज एंड कंफर्ट्स टू यू उसको अच्छा करने के लिए आपको उस ग्रह की वस्तुएं दान करनी पड़ेंगी। अगर शुक्र वीनस है तो आप राम जी की आराधना करें मतलब कि ये जो अवतार है सूर्य भगवान वो राम के हैं और विष्णु जी इनके डेटी हैं, तो आप इनकी आराधना करें और राम की करें जो मंगल और शुक्र की युति है तो ये नरसिम्हा के अवतार हैं मंगल तो आप बजरंग बली की करें अगर वीनस शुक्र की है चंद्रमा कृष्ण जी के अवतार है तो आप शिव की पूजा करें वीनस शुक्र है तो कुमरा अवतार है तो भैरव की पूजा करें अगर बुध शुक्र है तो ये बुध भगवान के अवतार है मरकरी तो आप नारायण की पूजा करें अगर बृहस्पति है शुक्र बृहस्पति है तो ये जो अवतार है वो वामन के हैं तो आप ब्रह्मा जी की पूजा करें राहु शुक्र की युति है तो ये वारा के अवतार है राहु तो आप दुर्गा माँ की पूजा करें केतु जो अवतार है मत्स्य के अवतार है तो गणपति जी की पूजा करें शुक्र पशुराम के अवतार हैं, तो लक्ष्मी जी इनकी डीटी है इन सारे प्लैनेट्स के कोई ना कोई अवतार हैं जिनसे इन्होंने बर्थ ली है और इनके डीटीज हैं तो उनकी आपको पूजा करनी पड़ेगी अब आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की मान लो युति है तो ये नेटिव के पास यानी कि सूर्य की युति में क्या होगा कि नेटिव के पास कॉन्फिडेंस होगा उसकी जो कॉन्फिडेंस है उसकी जो वेल्थ है उसका जो गहना है उसकी कॉन्फिडेंस सेल्फ रिस्पेक्ट है ऐसे नेटिव जो सूर्य वीनस है यानी कि सूर्य पीछे है डिग्री वाइज डिग्री का बहुत महत्व है बी एन एन में ये सारी ही जो कॉम्बिनेशन है दीज आर बेस्ड ऑन डिग्री तो डिग्री को आपको महत्व खास कर देना पड़ेगा अगर आप उसको महत्व नहीं देंगे तो आपकी प्रिडिक्शन भी गलत हो जाएगी तो सन वीनस यानी कि सन पीछे वीनस जो है सन को क्रॉस करके आया हुआ है और सन क्या है इट इज फॉलोइंग द वीनस तो ऐसे व्यक्तियों के पास जो सेक्सुअल थॉट्स होती है बहुत ज्यादा होती हैं एंड दे हैव गॉट बैड मॉरल्स कैन बी अ क्रिएटिव पर्सन बाय प्रोफेशन ही कुड बी अ पेंटर ही कैन Suffer from diseases related to eye. The native will get a beautiful wife and a good-looking wife because Venus has crossed Sun. Sun is your family. Sun is royalness. So this native will have a wife from a very good background. Sun is government also. So maybe. That is wives' family is doing some government work. That could also be a possibility in government or some linkage with the government. The natives, Surya is father also. And Venus is money also. So you can say that his father and Suri is your first child also. So we'll run after. मनी सो इफ यू हैव गॉट दिस कॉम्बिनेशन मीनस सन और सन मीनस यू शुड नॉट बी इंटीमेटिंग ड्यूरिंग क्योंकि सूर्य देव का शुक्र देव जो वीनस है वो उनकी वाइफ उनका ताप तापनी सहन कर सकती थी इसलिए वो महादेव के पास आराधना करने चली गई थी और छाया को छोड़ गई थी जिनसे शनिदेव हुए थे अपनी हु परछाई बना के इसमें क्या होगा इस युति में ऑलवेज फाइंड हिज वाइफ स्मार्ट ब्यूटीफुल और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में इसकी वाइफ हो और ऐसे व्यक्ति के पास हमेशा घर के आसपास बाजू में मंदिर होगा सूर्य मंदिर है और वीनस नाड़ी में घर को भी दर्शाता है सो यू विल हैव अ हाउस फैमिली इज सन वीनस इज योर हाउस नियर हाउस ही विल हैव अ अगर सूर्य के बाद शुक्र है और शुक्र के आगे चंद्रमा है अगर ये युति बन रही है आपकी टू so, sun, sun Venus और चंद्रमा so आप ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक second चाइल्ड होगा द नेटिव इज child ऑफ द second वाइफ ऑफ द फादर जिसकी भी कुंडली में योग होगा तो वो दूसरी पत्नी से वो बच्चा होगा ऐसी वीनस मूल में वीनस पैसा है मूल खाना है मूल खर्चा है मूल आपकी कैश लिक्विडिटी है ये मन डोले वाला कॉम्बिनेशन है मन है डोलता है ये सास भाऊ का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे व्यक्ति को ही में गेट इन टू एडिक्शंस ऑल्सो यानी कि ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या कुछ ऐसी चीजों में भी आ सकता है ऐसे व्यक्ति को खान पान के ट्रैवल के बिजनेसेस बहुत ज्यादा सूट करते हैं मून वीनस में यानी कि वीनस मून के कॉम्बिनेशन में भाई पैसा आया खर्चा पहले से आ रहा तो तो है, है तो आप ऐसे भी मान सकते हैं वीनस वाइफ है मून माँ है तो कहीं ना कहीं सास बाहू के कलेश रहेंगे वीनस आपकी पैसा है चंद्रमा आपका खर्चा है सो मनी कम एंड गो पैसा बाद में आएगा पहले खर्चा तैयार होगा ऐसी कॉम्बिनेशन में अगर ये चंद्रमा को यूज कर रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आप ये भी कह सकते हैं वीस, आ, वीनस मून में के वीनस वाइफ है चंद्रमा ट्रैवल है चंद्रमा आप के खान पान भी है तो इसकी वाइफ विल लव फूड और बी इंक्लाइन टूवर्ड्स फूड एंड विल लव ट्रैवलिंग तो ये प्रिडिक्शन आपको खुद बनानी पड़ेंगी और ऐसा व्यक्ति मतलब कि जब खर्चीला होगा वीनस मून लेके चल रहा है तो अपने मेटीरियल नीड्स पे बहुत ज्यादा खर्चा करेगा गुड सेंस आल्सो। और ऐसा व्यक्ति पैसे के बारे में सोचेगा मून वीनस मून मन है वीनस आगे है तो आदमी क्या सोचेगा कम्फर्ट लग्जरीज चौथे घर का कारक है ना चंद्रमा तो इसको अपने इमोशन बैलेंस करने पड़ेंगे अगर भैया ये कॉम्बिनेशन है तो चार्ट में राहु ये पैसे को एक्सपेंड करता है राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसको एक्सपेंड कर देता है केतु छोटा करता है तो वीनस आपकी वाइफ है राहु एक्सपेंशन है राहु एक स्वैग एटीट्यूड है राहू मल्टीप्लिसिटी को दर्शाता है इलीगल चीजों को दर्शाता है तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं भाई जब बीबी आएगी तो वेल्थ भी है वीनस, एक्सपेंशन है तो वाइफ के आते ही इसकी वेल्थ एक्सपेंड हो जाएगी ऐसा व्यक्ति शो ऑफ एटीट्यूड में रहेगा राहू इज ऑल अबाउट शो ऑफ नेचर एंड स्वैग एटीट्यूड बट वीनस एक फीमेल को भी दर्शाता है है वाइफ को भी दर्शाता है राहु इल्लीगल चीजों को दर्शाता है तो हो सकता है कि इस व्यक्ति की मल्टीपल अफेयर्स हो अनएथिकल रिलेशनशिप्स हो और राहु बीमारी भी देता है तो जैसे ये व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा तो आप पाएंगे वीनस राहु में वीनस पीछे राहु आगे है, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को भी डायबिटिक हो सकती है और इसकी वाइफ की भी हेल्थ ठीक नहीं होगी अगर ये इसमें वीनस चार्ट में खराब होगा तो आपको ये सिम्टम्स मिलेंगे ही मिलेंगे राहु आपके इनलॉज है वीनस आपके वाइफ है तो इनलॉज क्या होंगे अमीर होंगे ऐसी आप कह सकते हो राहु दादा है शुक्र पैसा है तो इसके दादा के पास पैसा होगा जिसके पास ये कॉम्बिनेशन होता है राहु वीनस वाला तो वो इनहेरिट करता है पैसा क्योंकि तो जी छोड़ के गए हैं पैसा यही अगर उल्टा हो जाएगा वीनस राहु तो दादाजी जी टन गोपाल है पैसा नहीं है तो इस कॉम्बिनेशन को आप समझिएगा ऐसा व्यक्ति बड़े जो वाइफ भी होगी ना बड़े अनप्रिडिक्टेबल नेचर की होगी वीनस राहु में तो क्योंकि वीनस क्रॉस करके आया हुआ है राहु को तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का सडननेस का कारक कौन है राहु है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी प्रॉब्लम का कारक ही राहु है ऐसा व्यक्ति मी गेट चीटेड विद मनी मैटर्स राहु चीटिंग भी है ऐसे व्यक्ति को जो प्रॉब्लम होंगी That will be related to you know his daily income क्योंकि भी ना सातवें घर का काल पुरुष में कारक होता है और सातवा घर आपकी डेली इनकम को दर्शाता है ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की सेक्सुअल डिजीजेस हो सकती है डायबिटिक्स हो सकती है फूड पॉइजनिंग हो सकती है एक्सेस डिजायर्स डिजायर एक्सेस इसके रिलेशनशिप्स हो, तो ये कॉम्बिनेशन एडिक्टिव भी बनाता है व्यक्ति को इलीगल तरीके से भी वेल्थ कमाने की कोशिश करता है ऐसा व्यक्ति तो ये कॉम्बिनेशन जो है शुक्र और राहु क्योंकि राहु क्या है डिजायर में। वीनस क्या है वाइफ है तो वाइफ भी बहुत मेटीरियलिस्टिक होगी इस कॉम्बिनेशन में तो वाइफ के डिजायर्स होंगे बहुत ज्यादा तो जैसे ही ये व्यक्ति ज्यादा धन दौलत कमा लेगा तो ऐसा व्यक्ति की वाइफ को प्रॉब्लम आ जा जा जाएंगी हेल्थ प्रॉब्लम आ जा 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 जाएंगी अब वीनस मकान भी है हाउस भी है राहु एक्सपेंशन है तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा मकान मिलेगा आपको वीनस केतु में टू बेडरूम मिलेगा राहु वीनस में आपको बंगला मिलेगा उस आदमी का या फोर बेडरूम होगा ऐसा घर मिलेगा बड़ा घर मिलेगा बेसिकली आपको कारक जोड़ने हैं इसमें और कुछ नहीं जोड़ना है इसके राहु सीक्रेट का भी कारक है तो ऐसे व्यक्ति के सीक्रेट अफेयर भी हो सकते हैं वीनस केतु में जो पंच लाइन है ये पैसे के बारे में सोचना छोड़ दो आपकी दौलत तब आएगी जब आप स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ जाओगे या सिंप्लिसिटी को अपने मन का भाव ठीक कर लोगे तो पैसा आ जाएगा अगर आप पैसा भागोगे तो केतु कैची है तो, तो आप पाएंगे शुक्र वाइफ है केतु स्पिरिचुअलाइजेशन है धार्मिक है धर्म का कारक है एक तरह से मोक्ष कारक है तो आप पाएंगे कि आपकी वाइफ अगर ये कॉम्बिनेशन है उसका झुकाव स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ होगा ईमेल चार्ट में ये होगा तो प्रॉब्लम्स इन लेग्स होगी, उनके वजाइनल में प्रॉब्लम्स होगी पाइल्स भी हो सकती हैं। तो ऐसे में जो अगर वीनस केतु है भाई पैसे के बारे में सोचना छोड़ दो केतु से कुछ भी चाहिए केतु कहता भैया भागना है तो पीछे भागो राहु के मेरे पीछे मत भागो मैं मेटीरियलिस्टिक प्लेनेट नहीं हूं मैं तो सीरिचुअल धार्मिक प्लेनेट हूं मैं तो बृहस्पति का चेला हूं तो भागना है तो राहु के पीछे भागो मेरे पीछे नहीं मिलने वाला तो सोचने के बारे में छोड़ दो ऐसे लोगों को पैसा कमाने में बड़ी समस्या आती है ये डायवोर्स का भी कारक है क्योंकि केतु कैंची है ना केतु आपके मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स को इंक्रीज नहीं करता है, उन्हें काटता है वीनस केतु में आपको जो जैसे मकान का कारक वीनस है केतु छोटा है तो छोटा काम और छोटा घर होगा टू बी एच के होगा ऐसे व्यक्ति का मैक्सिमम थ्री बेडरूम वाले नहीं होंगे इसके यूनिट्स छोटे मकान होंगे और केतु कहता है कि भाई पैसा कमाना छोटा छोटा काम करो अगर आप बंगला आपने इतना पैसा छोट चो, केतु तूने छोटा छोटा करके आपको दे भी दिया जो भी छोटे छोटे आपने काम करे यानी कि अगर आपको रेस्टोरेंट मान लो खोलना है उदाहरण के तौर पे आप मॉल में एक हंड्रेड सीटर मत खोलिए रेस्टोरेंट आप उसी मॉल में दस क्लॉसेज लगा दें छोटे छोटे तो केतु काम कर जाएगा वरना वो आपका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा खुलते ही तो केतु क्या है कटिंग है तो रिजेक्शन है ऐसे जो फीमेल्स होती है ना वो काफी रिजेक्शन मोड में रहती है आपकी वाइफ अगर ये कॉम्बिनेशन रहेगा क्योंकि केतु कटिंग है वाइफ क्या है कटिंग करेगी हर एक बात में कुछ ना कुछ काटेगी रिजेक्शन मोड में चली जाती है उसको जो पैसा होता है ना रिटेन करना चाहिए जो भी उसके हस्बैंड पैसे दें या उसके फादर इन लॉ पैसा दें या कहीं से भी आए अगर वो रिटेन करेगी उस पैसे को क्योंकि पैसे की किल्लत बहुत रहती है शिशु रिटेन रिलेशनशिप इज केतु है तो भैया आप सिंपल सी वाइव ढूंढो जिसके अरमान ज्यादा नहीं हो जिसको सजना सवरना भी नहीं आता हो तो राहु में आप ले आओ मॉडल ले आओ वो चल जाएगी उससे आपकी निप जाएगी बट वीनस केतु में नहीं निपने वाली आप मॉडल उठा लाए तो पता चला कि साल भर में आपने कहा कि यार मैं पार्टी में जाऊंगा बड़ा अच्छा लगूंगा इस तो मॉडल है मैं इसी से विवाह कर लेता हूँ तो यकीन मानना एक साल बाद आप पार्टी में अकेले ही जा रहे हो आपको खड़े होने के लाइक भी नहीं छोड़ेगी वो क्योंकि तो वो जा चुकी होगी अगर आपकी कुंडली में केतु विनस का कॉम्बिनेशन है और आप राहु को उठा लाए तो आपकी जिंदगी नहीं चलने की है क्योंकि तो ये डाइवोर्स का भी एक तरह से कॉम्बिनेशन है जुपिटर वीनस केतु ये तीनों आदमी जुपिटर जीव है वीनस वाइफ है केतु कटिंग है तो पाया जाता है कि आदमी अपनी पत्नी को छोड़ के बाहर चला जाता है कोई ना कोई अफेयर करने क्योंकि तो केतु कटिंग है जुपिटर किसके पीछे भाग रहा है फीमेल के पीछे भाग रहा है वीनस के पीछे भाग रहा है और केतु कटिंग है तो काट देगा आप कहीं और निकल जाओगे तो वीनस केतु पैसे के लिए खराब कॉम्बिनेशन है अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है तो ऐसे लोगों को मन से पैसे का भाव ही निकाल देना चाहिए तो केतु कुछ भी लाके दे दे परोस के दे देगा दे आपको आपको केतु से मांगना नहीं पड़ेगा कभी भी केतु को इस्तेमाल करना है क्योंकि लेड गो की भावना ले आओ जाने दो केतु देने का है लेने का नहीं है तो जिस दिन आप ये भावना ले आओगे तो आपका व्यापार छोटा व्यापार करें ज्यादा बड़ा नहीं करें आपने कोई सलून खोलना छोटा खोले उसके बाद आप छोटी छोटी चेंज बना दें जैसे हबीब है एक पहले छोटी दुकान ही थी ना आज फ्रेंचाइजी बाट रहा छोटी छोटी दुकानें पैन इंडिया में कितनी हो गई तो ऐसा करें कि तू ऐसा है कि आपको अपार धन दे देगा बट आपको छोटा छोटा करना पड़ेगा आपके बैंक में एक करोड़ पड़ा हुआ ये एक करोड़ को एक करोड़ की एफडी मत बनाए के दस लाख की बना दो दस बना दो बना दो, तो आपकी एफडी भी अप्रिशिएट करेगी आपने लैंड लेना है या मकान लेना है छोटा ले लो छोटे चार ले लो तू इस फाइन राहुल आए प्रॉब्लम आ जाएगी बड़ा तो प्रॉब्लम आ जाएगी वीनस मरकरी अच्छा कॉम्बिनेशन है यहां जो धन दौलत होती है व्यक्ति की उसकी इंटेलिजेंस होती है और उसकी लर्निंग से होती है ऐसे व्यक्ति को जो वाइफ होती है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो भैया बड़ी नहीं होती है इंटेलेक्ट होती है ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से कैन बिकम गुड अकाउंटेंट कोई भी मर्क्यूरियल वर्क से व्यापार से या फिर आप अकाउंटेंसी रिलेटेड वर्क से यू कैन अर्न मनी ये लोग बीजेस मर्करी वाले अच्छा हाई प्रोफाइल ऑफिशियल होते हैं

मेक्स यू ए वेरी गुड ऑब्जर्वर दिस पर्सन विल है तो मांग रहा है वीनस जो क्रॉस करके आया हुआ है वो मर्करी को क्रॉस करके आया है तो हो सकता है कि भाई वाइफ बिजनेस फैमिली की भी हो वाइफ बहुत इंटेलेक्ट होगी इंटेलिजेंट होगी ऐसे व्यक्ति की ऐसा व्यक्ति क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है वीनस आपके पैसा है तो इस व्यक्ति की जो धन दौलत है वो उसकी वैल्यूज है उसके ट्रेडिशन है उसके कल्चर है क्योंकि वीनस और बृहस्पति बृहस्पति आपका संस्कार है आपकी फेथ है आपका बिलीफ सिस्टम है आपका ट्रेडिशन कल्चर है अगर मान लीजिए टू ट्वेल्व में हो जिसे हम बोलते हैं यानी कि वीनस आगे हो पीछे बृहस्पति हो टू ट्वेल्व में वीनस सेकंड टू बृहस्पति जैसे इसमें लिखा है तो ऐसा व्यक्ति शादी के बाद उसकी प्रोस्पेरिटी आएगी क्योंकि वीनस आपका पैसा है बृहस्पति आपका भाग्य है तो ऐसा व्यक्ति ने शॉर्टकट बड़े ढूंढता पैसा कमाने के यार भाग्य काम करेगा पैसा मिल जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को एडिक्शन होता है शॉर्ट टर्म मनी कमाने का विनर जुपिटर में ये तभी ग्रो करेगा ये व्यक्ति अगर ये वही एथिकल रहेगा अपने रिलेशनशिप में चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो लक भाग्य किस्मत एवरीथिंग ज्यादातर ऐसे कंजन वाले लोग जिनकी ये युति होती है दे फॉलो द पास आफ्टर लॉट ऑफ कैल्कुलेशन क्योंकि एक देव गुरु है एक दानव का गुरु है तो कैलकुलेट करके ही ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं और ये काफी अच्छे इनकी सेहत भी रहती है पैसा भी होता है युवती वालों के पास एंड दे देर लाइफ ये तब आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन मिलता है बृहस्पति शुक्र का आपके पूर्वजों ने या आपके फैमिली मेंबर्स ने प्रे करा होता है तब आप या कोई लड़का या कोई लड़की पैदा होती है उस घर में पूर्वजों की इन्होंने भगवान की आराधना करी होती है हमारी लड़की हो या हमारा लड़का हो मतलब तो 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 ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में मिलता है ऐसे व्यक्ति को ना उम्र भर वीनस जुपिटर वाले को पैसा मिलता रहेगा उसको जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसके पीछे जीवन में भागना नहीं पड़ता है

ये अच्छी युवती मानी जाती है लाल किताब में इसमें क्या है कि एक फ्लेयर होता है एक व्यापार का उस व्यक्ति के पास और वो बड़ा ना एक्टिव रहता है मंगल इज ऑल अबाउट एक्टिवनेस वीनस इज योर वेल्थ वीनस इज योर डिस्क्रिटरी पावर To judge what is right, what is wrong. So, here, there are chances if you got this combination that you might become a pilot also in this combination. He is inclined towards his self-fitness, these people, and these people have got luxuries. इन लाइफ दे वॉट लैंडेड प्रॉपर्टी इन विद क्योंकि वीनस भी प्रॉपर्टी है नाड़ी में मंगल भी प्रॉपर्टी है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी होती होती है वीनस मरकरी में या ऐसे व्यक्ति अगर आपका ये कॉम्बिनेशन होता आप प्रॉपर्टी खरीद के अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी लेते हैं यानी उनके नाम आप प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कर देते अब मंगल पहले है वीनस बाद में तो वाइफ कैसे होगी गुस्से वाली होगी ना एग्रेशन वाली होगी ना आपकी तो ये भी आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं ये भूमि से बड़ा पैसा कमाएगा ये व्यक्ति इसके पास वीनस गाड़ी भी है मंगल मैकेनिकल को दर्शाता है तो इसके पास जो गाड़ी भी होगी अच्छी गाड़ी होगी वीनस लग्जरी को दर्शाता है ये मशीनरी के काम कर लेगा मशीनरी मंगल है वीनस पैसा है, तो उससे भी पैसा कमाएगा ये जो व्यक्ति होता है ना अपनी बॉडी लुक्स और इसकी जो वाइब भी होती है ना इज वेल है मंगल वीनस वालों की गुड लुकिंग होती है और ये बोला जाता है कि वीनस मंगल में मतलब दे आर द बेस्ट कपल्स आप किसी पार्टी में जाओ तो वीनस मंगल वाला पेयर जो होता है दे शाइन आउट दे आर बेस्ट कपल और बेस्ट लुकिंग कपल क्योंकि दोनों को जो चाहिए होता है ना Mangal they body. Hai. So they work a lot on their fitness, on their body and their looks. Mangal Venus, wala ki he'll be fit and he will look like a hero, you know. They maintain this kind of a balance between them. Because Venus is all about beauty, your smartness, your hygiene. And Mangal is your day. सो देर आर गुड लुकिंग कपल जो भी आपकी वाइफ होगी अच्छी सुंदर होगी वीनस मंगल में बट अगर आपकी कुंडली में मार्स आ गया फीमेल कुंडली में वीनस आ गया केतु हो गया तो ये सेक्सुअल का भी कॉम्बिनेशन है मंगल वीनस में एक ही स्लाइड है भाई मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है वीनस वेल्थ का कारक है तो कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े से भी भाई कंप्लीट जो होंगे वो वेल्थ की वजह से होंगे विनस आपकी वाइफ है वो स्टबन होगी शॉर्ट टेंपर्ड होगी क्योंकि मंगल विनस है प्रॉपर्टी से मैंने कहा कि अच्छा पैसा कमाएगा ऐसे लोगों को पाया जाता है कि किचन इनके बेडरूम के आसपास ही होता है या बिल्कुल सामने ही होता है दे बॉडी विल बी गुड फिगर्ड फिटनेस फ्रीक होंगे अब वीनस मंगल में भाई छोटा भाई या फिर सेकंड चाइल्ड मंगल होता है वो अमीर होगा क्योंकि तो मंगल पहले है उसके बाद वीनस है तो भाई के पास आपसे ज्यादा दौलत होगी आपके सेकंड चाइल्ड के पास भी आपसे ज्यादा दौलत होगी हाइजीन को प्रेफर करेगा इस व्यक्ति के ड्रेसिंग सेंस होंगी वीनस इज ड्रेसिंग इज क्लोदिंग ऐसे व्यक्ति की आईब्रोज बड़ी अच्छी होती है वीनस वाली एंड ही कैन मेक प्रॉफिट्स बिकॉज मंगल इज रिलेटेड टू योर होम लैंड भूमि तो उसकी वास्तु अगर अभी कर सकता ऐसे लोगों की ज्यादातर लड़ाई है जो होती है ना बेडरूम में होती है तो ऐसे व्यक्ति को वही जो इन्वेस्टमेंट करे नहीं तो जो पैसा कमाएगा मंगल वाला वो बर्बाद हो जाएगा जमीन में लगा दे अपना जो बैंक अकाउंट है या तो वही अपनी वाइफ के नाम ले ले या फिर अपने भाई के साथ खोल ले या फिर अपनी दूसरी संतान के साथ खोल फिटनेस

यानी कि कोई भी मंगल के जैसे आई कपड़े पहनना मिलिट्री स्टाइल एंड ऑल दे गुड फॉर दिस इन दिस कॉम्बिनेशन शनि आ जाते हैं शनि वीनस में अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो भैया ये जो नेटिव है इसकी जो दौलत है इसकी पेशेंस है इसकी डिसिप्लिन है इसका फोकस है अगर ये इस पे काम करेगा तो ये व्यक्ति अच्छा पैसा कमा लेगा ये कर्मों से पैसा है हार्ड वर्क से पैसा है तो ये जो व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा कमाएगा ऐसे व्यक्ति को शनि नौकर है अपने इंप्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा तो ही लग्जरीज आएंगी वीनस है और शनि है तो ऐसा व्यक्ति जिसका वीनस शनि का कॉम्बिनेशन है वीनस किसको अप्रोच कर रही शनि को शनि लेजीनेस भी है तो आप पाएंगे भाई वाइफ आपकी लेजी हो सकती है कि जो काम आज करना है उसको आज नहीं करेगी कल पे डाल देगी सी विल बी स्लो बट योर पार्टनर विल बी सपोर्टिव क्योंकि शनि कर्म कारक है वीनस आपकी वाइफ है तो कर्मों में कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में सपोर्ट देगी इसका जो प्रोफेशन है वो तो सभी सेट होगा शादी के बाद वीनस शनि में ऐसे व्यक्ति को अगर भाई ग्रो करना है तो शुड बी ड्रेस्ड अप्रीज कपड़े पहने आपने मोदी जी को देखा हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके चार्ट में भी शनि का कॉम्बिनेशन है और वाइफ तो है नहीं तो उनकी ड्रेसिंग सेंस आपने देखी है कितनी बढ़िया है सो इज यूजिंग इज वीनस आपको भाई जो व्यापार वगैरह भी कर रहे हैं इसको आप अपनी वाइफ के नाम करिए वीनस शनि में वाइफ आपकी वर्किंग वोमन हो सकती है ये कॉम्बिनेशन वीनस शनि का डिले इन मैरिज भी देता है आपको अगर आपको ग्रो करना है तो आपको भाई लॉयल रहना पड़ेगा अपनी वाइफ के साथ आप इसमें लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि तो पैसा है प्रोफेशन शनि है मकान बिल्डिंग का भी कारक है शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है आप लैंड खरीदिए उसमें इन्वेस्ट करिए उसमें कंस्ट्रक्शन करिए तो भी ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया चलेगा आपने किसी से भी पूछना हो उसके चार्ट में भाई ये कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले पूछिए कि उसके रिलेशनशिप उसकी वाइफ के साथ कैसे हैं अगर उसके रिलेशनशिप वाइफ के साथ खराब है तो ये कॉम्बिनेशन खराब काम कर रहा है अगर अच्छे हैं तो उसके पास सारी लग्जरीज होंगी उसका प्रोफेशन भी सेट होगा सब चीजें सेट होंगी तो ये थे अब मैं आपको इसी में ही एक उसका बता देता हूं कि आपको कैसे ये गोचर में चेक करने हैं अपने ये प्लैनेट्स ये मैं कुंडली लगा रहा हूं जो भी हमने चार्ट में डिस्कस करी थी इसमें मैं ये ट्रांजिट का मैंने चार्ट लगा दिया है दो हजार बाईस में इस व्यक्ति को दो एक करोड़ रुपए मिले कैसे मिले तो हम यह डेट डाल देते हैं लगभग यही मार्च 2022 कर देता हूं इसको पांच से भी पहले क्या डेट आ रही है एक दोस्त इसमें आप लाल दीजिए चलिए इसको ही ले लेते टू सिक्स टेन में आप देखिए गोचर में दसवे में, में कौन सा आ रहा है शनि आ रहा है नेटल वीनस छ नंबर में बैठा है तो इस ट्राइन में दो छे दस में ये जो ट्राइन आ रहा है दो छे दस में ऑलमोस्ट सारे प्लानिट दो छे दस में ही है तो मैंने कहा जब शनि दो छे दस में आया है और तो वीनस के ऊपर से गोचर कर रहा है तो पैसा मिलेगा वीनस लैंड का कारक है इस व्यक्ति को इसकी कोई प्रॉपर्टी बिकी कोई मकान बिका इसको दो तीन करोड़ रुपए मिले इस व्यक्ति के पास जब जुपिटर भी यहाँ पे था तब तो शनि भी यहाँ पे था बट यहाँ पे तीन स्पीड ब्रेकर और थे मंगल चंद्रमा राहु ये प्रॉब्लम मेकर्स हैं इस ट्राइन में तो प्रॉब्लम्स भी आई अगर ये मंगल को यूज कर रहा होता तो लड़ाई झगड़े भी होंगे कोर्ट कचहरी भी होगी जब जीवा भी आएगा और प्रोफेशन में भी आएगा तो प्रॉब्लम भी होंगी प्रोफेशन में अगर ये ट्रैवल कर रहा होगा तो चंद्रमा यूज हो जाएगा वरना प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मन डोले वाला योग है जुपिटर चंद्रमा जैसे हम गज केसरी योग बोलते हैं वो मन डोलता है जुपिटर जीवा है चंद्रमा मन है ये धक्के खिला देता है ये वाला योग आपने राम जी की कुंडली में देखा ना उनके भी ये एग्जॉल्टेड चंद्रमा है लगन में बैठा है चार नंबर की पत्रिका है जुपिटर एग्जॉल्टेड है साथ में चंद्रमा है तो राम जी के जीवन में क्या हुआ घर का तो सुख मिला ही नहीं वो तो बनवास ही करते रहे जो राज तिलक का समय था तो बनवास पे चले गए सीता मैया जी भी उनके साथ तो क्या सुख क्या मिला तो ये आपको डी फोर चार्ट में जाके गज केसरी योग का के एग्जैक्ट डेफिनेशन मिलती है तो सिंपली यही है कि मून को यूज करना है अगर मून को यूज नहीं करेगा इस टाइम नहीं करता जब ये इसको पैसा मिला इस टाइम तो खैर जुपिटर यहां आ गया था इस टाइम में नहीं था अगर जुपिटर भी होता तो और ज्यादा बड़े पैसे मिलते इसको तो वही मैं कह रहा हूं कि आपको देखना है कि जब भी शनि आएगा अब क्या है कि इसका बेस्ट टाइम पीरियड में कब आने वाला है अगर हम इसको शनि बारह नंबर राशि में आएगा और जुपिटर दो नंबर राशि में आ जाएगा वो पीरियड कब होगा पच्चीस के स्टार्टिंग का होना चाहिए मेरे ख्याल से पच्चीस छब्बीस में पच्चीस uh, में करते हैं शनि अभी ग्यारह नंबर में है जुपिटर यहाँ पे है अभी जब ये जुपिटर यहाँ आया है तो अगर ये मतलब ये जब ये जुपिटर अभी अप्रैल मई में आ जाएगा दो हजार मेरे ख्याल से पच्चीस ही अभी चौबीस में आ जाएगा अप्रैल में जुपिटर एक मिनट बैठ करते पता चल जाएगा कि कब आना है इसमें गोचर में सर, सेकेंड में को आना है सेकंड में को आना है ठीक है तो जब हुँ. सेकेंड में को आएगा इस चार्ट में जुपिटर यहाँ तब इसका ना ये सारे प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे बट आपको ये चेक करना है कि जब शनि वहां पे था इन स्पीड ब्रेकरों के साथ साथ इसको पैसा क्यों मिला क्योंकि तो दस नंबर की राशि में तब आपने देखा है कि इसका एक तो राहु के ऊपर से गोचर हो रहा था राहु इसका संपत्त था प्लैनेट दस नंबर की राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं तो शनि उस टाइम कौन से नक्षत्र में था दस नंबर की राशि में जो इसके नक्षत्र आएंगे वो आएगा सूर्य का ठीक है सर उत्तर शादा शुक्र और धनु निष्टा ठीक है जी अब जब 2022 में मैंने आपको वो डेट बताई वही मार्च की ही आप ले लो बैकवर्ड करते हैं हम कर देते हैं तो अब आप देखिए शनि कौन से नक्षत्र में था मेनिका पंच शनि इस टाइम जो नक्षत्र में था, था मार्च से और पहले ये जब शनि कैप्रिकॉन में एंटर करा तो उत्तर षडाय में था उस उत्तर षाय सूर्य का नक्षत्र है जो कि इसकी कुंडली से अति मित्र है और मित्र है उसके बाद वो श्रवण में आया जो कि अति मित्र है सूर्य मित्र है इसकी कुंडली के हिसाब से हम्म चंद्र तो तब इसको पैसे की वो डील हुई और वो उस ट्राइन में था राहु के ऊपर से गोचर कर रहा था उस डिग्री में उस टाइम पे जो फरवरी वगैरह जो भी महीना था उस टाइम तब तो वो डील वगैरह हुई थी या उससे पहले डील हुई थी 2021 के एंड में तो उसको पैसा इसलिए मिला पैसा तब उसके हाथ में आया जब ये वीनस की डिग्री अगर आप इस चार्ट में देखते हैं तेईस so डिग्री है और यहाँ लगभग चौबीस डिग्री है तो इट इज इन दोक्सी ऑफ प्लस माइनस थ्री पैसा तब आपके पास हाथ में आया डील चाहे भले ही हो गई डील इसकी जो हुई जब शनि गोचर कर रहा था और सात आठ महीने पहले तब वो श्रवण में था जो अति मित्र था ठीक है उस टाइम राहु के ऊपर से गोचर कर रहा था क्योंकि राहु की डिग्री ऑलमोस्ट इस चार्ट में जो थी वो है उन्नीस डिग्री तो वही अगर हम सात आठ महीने पीछे कर दें तो वही उन्नीस डिग्री तक आ गया ना शनि तो वो संपत्त के ऊपर से गोचर कर रहा था तो वो भी इफेक्ट करता और जो जो नक्षत्र था वो अति मित्र का नक्षत्र था तो व्यक्ति को पैसे नहीं क्योंकि वीनस कारक है मकान का तो मकान भी का तो पैसे नहीं गए हाँ जी तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो कि जब भी शनि या जुपिटर उस ट्राइन में से गोचर करेंगे अगर यही विपत के ट्राइन में होती पैसा नहीं मिलता पतियारी में होता शनि गोचर कर रहा होता तो पैसा विपत में आप सोचिए थोड़ी प्रॉब्लम होती मना नहीं है में मैं थोड़ी हार्डशिप होती हो सकता कि डील होती या नहीं होती थोड़ा प्रयास लगता आपका अगर यही ना में कर रहा होता लास्ट नंबर सात वाले नक्षत्र में तो उसको प्रॉब्लम आती ठीक है तो अभी क्या है कि अभी जुपिटर एक नंबर में भ्रमण कर रहा है हां जी। ठीक है आज के गोचर में जुपिटर hmm. एक नंबर में भ्रमण कर रहा है तो लेट अस टेक इट एंड पुट डेट लेटर्स फर्स्ट मार्च ओके अब ये सत्रह नंबर पे है अब एक नंबर राशि में सत्रह नंबर में कौन सा नक्षत्र आएगा सत्रह डिग्री पे भर आएगा आएगा hmm. तो इसमें उस ट्राइम में कोई और प्लेनेट नहीं है 159 की हाँ जी जीवा प्रॉब्लम में है भरनी इसका सप्तम नक्षत्र है नायधाना है ना बट वो नायधाना थोड़ा ठीक हो गया है अगर आपने उस चार्ट में देखा था जो वीनस का नक्षत्र था वीनस किससे रिजल्ट दे रहा था वो चंद्रमा का था चंद्रमा अति मित्र है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहेगी क्योंकि वीनस मैंने बताया था उलर यूटी था यूटी था ना तो खुद भी अपने रिजल्ट जुपिटर नाधाना में रहेगा इस व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम रह सकती है जीवन में कोई हार्डशिप कोई कष्ट आ सकता है क्योंकि जीवा भ्रमण कर रहा है ना तो ऐसे आप डी कर सकते हो बट क्या होगा वीनस एज अ प्लेनेट वाज गुड मींस इट वाज एवरेज नाउ बिकॉज उसका जो नक्षत्र था वो अति मित्र हो गया hmm. तो अति मित्र और नायधाना आर इक्वली गुड ना सो इट बिकम्स एन एवरेज प्लेनेट अ गुड प्लेनेट इन दी वो रिजल्ट ठीक दे रहा बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ना जब भी हाँ। जीवा आपके तीसरे विपत से विपत तारा के नक्षत्रों से पतियारी के नक्षत्रों से या आपके ना के नक्षत्रों से गुजरेगा आपकी कुंडली में जो भी बनेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी चाहे जीवा हो चाहे कोई भी कारक हो शनि गुजरेगा तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी वीनस गुजरेगा चालीस दिन के लिए आपकी वाइफ को प्रॉब्लम आएगी चंद्रमा गुजरेगा वो दो दिन के लिए गुजरता एक नक्षत्र से दो ढाई दिन आपको प्र... आपकी मदर को प्रॉब्लम आएगी आपको कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी समझ रहे तो ये जो तो नक्षत्र है ना आपने देखना है कि कौन से तारे में कौन सा प्लेनेट भ्रमण कर रहा है जब भी आपका चंद्रमा द्वीप से भ्रमण करे पतियारी से भ्रमण करे और नायदाना से भ्रमण करे आप उस दिन कोई आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका मन नहीं करेगा काम करने का यू नॉट फील लाइक वर्किंग सो दैट डे यू शुड नॉट डू एनी न्यू वर्क वो शुभ मुहूर्त नहीं होगा ना बिकॉज वीज नक्षत्र आर वन ऑफ द फाइव पंचांग का एक लिंक है पांच जून से हमारे पार्ट्स होते हैं एक मुहूर्त के उसमें तिथि होती है आपके वार होते हैं आपका नक्षत्र होता है आपके योग होते हैं और आपका करण होता है आर द द लिम्स ऑफ अ मुहूर्त एंड इंपॉर्टेंस इज गिवन टू नक्षत्र सो विच डे वी शुड स्टार्ट आवर वर्क एंड यू शुड नॉट सो वेन अवर मून इज इन दोचर ऑफ योर दी थ्री थ्री फाइव एन सेवन यू शुड नॉट स्टार्ट तो ऐसे मतलब उसमें ब्लेमिश लग गया पैसे का पूरा नहीं मतलब वहां वीनस तो खैर नहीं था वो तो अच्छे तारा में था सो ही गॉट गुड मनी दैट टाइम बिकॉज इन दी ट्राइंग बट ऊपर से अगर जाएगा ठीक है तो hmm. ज्यादा इफेक्ट होगा अगर छह नंबर से शनि भ्रमण करता तो ज्यादा इफेक्ट रहता यहाँ पिचहत्तर परसेंट का इफेक्ट रहेगा अगर दस में या दो में आएगा अब केतु छह नंबर में भ्रमण कर रहा है वीनस के ऊपर से तो इसकी वीनस वाइफ है किस डिग्री पे अभी केतु है और तेईस डिग्री पे ऑलमोस्ट इसका वीनस है इस कुंडली में ये देखिए तो वाइफ को कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है बट ये भी अगर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसकी वाइफ स्पिरिचुअल माइंडेड है मेडिटेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तो कि केतु तो मोक्ष कारक है ना जिसके भी ऊपर अब पैसे की तंगी भी आ सकती है इस टाइम व्यक्ति का हाथ टाइट हो सकता है क्योंकि केतु आ गया और ये पैसे के बारे में छोड़ दे भैया सोचना पैसा अपने आप आ जाएगा तो सर एक चीज मेरे को इसमें पूछनी थी जैसे केतु का ऑलमोस्ट ढाई साल अठारह महीने जब वो डिग्री पे क्लोज आएगा ना जी वे जब वेरी क्लोज थ्री डिग्री फोर डिग्री ठीक है सर जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक प्रॉब्लम ये नहीं कि महीने रहेगी हाँ जी ठीक है ठीक है अब जब वो बिल्कुल पास आ जाएगा जैसे वो क्रॉस कर दिया ना उसने मतलब तेईस इक्कीस डिग्री पे आ गया तो ये करते करते जीरो डिग्री पे क्रॉस करेगा तो जब वो तेईस डिग्री पे बिल्कुल उस डिग्री पे होगा तब मेजर प्रॉब्लम आई होगी एक बार क्रॉस कर दिया तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इट इज क्रॉस्ड इट तो तब इसको जैसे लास्ट अगर मैं साल बोलूं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही ठीक है इस व्यक्ति को थोड़े अनबन भी रहे होंगे वीनस वाइफ है थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग भी होगी बट अगर वो एस्ट्रोलॉजी में है या ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में तो फिर यही केतु पैसा दे जाएगा ना वीनस से मिलने जा रहा है जो प्लेनेट लिखने मिलने जा रहा है उसके पास है क्या देने को केतु के पास क्या है देने को कटिंग है देने को हम्म उसके मटेरियलिज्म तो है नहीं देने को वो तो स्पिरिचुअलिज्म तो देता बट अगर आप स्पिरिचुअलिज्म कर रहे हो आप ऑकल्ट कर रहे हो तो पैसा आएगा ना हां व्यक्ति के पास पैसा आ जाएगा कैसी केतु और सूर्य है केतु झंडा है सूर्य मतलब कि गवर्नमेंट है तो कोई भी आप हाई ऑफिशियर के देखोगे टेबल पे भाई झंडा लगा होता है उनके कार्ड पे शेर होता है, वैसी मर्करी भी है, मर्करी है, के कटिंग है अगर आप मरकरी को यूज कर रहे है आप कोई आ, ऐसा मरकरी रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं स्टेशनरी का बच्चों का कर रहे हैं तो केतु कुछ नहीं बोलेगा ना आप so it is just that if we are utilizing the kare of this planet will be good hmm. mercury mercury hogi होगी थोड़ी बहुत बट hmm. अगर क्योंकि एजुकेशन है ठीक है केतु ने hmm. काटना है बट अगर आप केतु की एजुकेशन कर रहे हैं तो ये उसको एक्सपैंड कर देगा hmm.

जब केतु आठ डिग्री पे होगा इसका मतलब भी आठ एक डिग्री पे तब इसके का काम बढ़ जाएगा और इस ट्राइन में क्या है वीनस भी है, अब स्पीड ब्रेकर्स भी है, मंगल भी है चंद्रमा भी है राहु भी है तो इसको उनको भी यूज करने पड़ेंगे बट मेजरली तो जिसके ऊपर से जा रहा है सबसे पहले तो उसको सेट करना पड़ेगा ना वो तो पचितर परसेंट इफेक्ट देंगे शनि भी है तो ऐसे यूज नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अगर आपकी कुंडली में जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो करोड़पति योग होता है वो बृहस्पति शुक्र शनि बुद्ध ये योग अगर एक कुंडली में हो या फिर आपकी कुंडली में राहु सूर्य Venus और शनि का योग हो तो यह भी एक मल्टीप का योग होता बट hmm. हो तो बहुत बड़ा होता अगर ट्राइन में हो बट ही दिस इज श्योर टू इफ यू गॉट दिस काइंड ऑफ योग बेसिकली आज की क्लास ये है कि भाई आपको लोग बोलते हैं भाई वीनस के ऊपर से शनि गुजरेगा तो कर्मों से पैसा मिलेगा जुपिटर गुजरेगा तो भाग्य से पैसा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होगा अगर वो नफ सारा सीरीज आपकी खराब है तो आपको पैसे में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी सो आई थिंक हाँ बोलिए एक, हा, एक चीज पूछनी थी जैसे ये नक्षत्र वाला जो आज आपने बताया है जैसे जुपिटर अभी भरनी में चल रहा है जी। तो सिमिलरली अच्छा है, तो हाँ, तो है वीनस जो है वीनस क्या है उनका कौन सा तारा है उनका कारक है एक सेकेंड वीनस आता थर्ड वाला थर्ड है तो विपत है ना प्रॉब्लम जाने के विपत है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके साथ हाँ, थोड़ी तो अनदन तो, हो सकती है रिलेशनशिप प्रॉब्लम हाँ, आती है तीसरा तारा थोड़ी रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो हो, हो सकती है ये चीज जैसे अ, अच्छा, एक तो हमें इस इस चीज में हमें डिग्री चेक करनी होगी जैसे खेमा में आ जाएगा के बाद वो सूर्य में आएगा हाँ जी ठीक है भरनी के बाद सूर्य में आएगा ना आ जाएगा ना हाँ खेमा में आ जाएगा हाँ जी खेमा अचीवमेंट्स है में तो अभी जो करंट जैसे उनको प्रॉब्लम ना जॉब की चल रही लाइक कुछ, कुछ नहीं हो रहा है तो अब में का में को... अभी क्या जीवा को प्रॉब्लम है वो भरनी में चला गया है वो तीसरे विपत में चला गया है वो वीनस है तो तीसरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम देता है ठीक है हाँ जी तो वैसे आप देख सकते हैं कि कौन सा कारक कहाँ है हाँ। बट उनको जो जॉब वगैरह है जैसे ये अभी चला जाएगा चेंज तो कर पांच सात डिग्री और है इसकी चौबीस डिग्री पे ऑलमोस्ट ये भरनी से शायद क्रॉस करेगा छब्बीस पे आ जाएगा ये जब छब्बीस डिग्री पे आ जाएगा हाँ। तो फिर वो सूर्य का आ, नक्षत्र आ जाएगा कृतिका आ जाएगा तब एक नंबर में ना तो कृतिका हाँ। के आते ही हाँ अनदर के कपल ऑफ ये मे में, आपने बताया ना अप्रैल एंड या मे में, जा रहा है तो और नवंबर हाँ, में ये <laughs> इट जब कम बेसिकली सेकंड साइन में आ जाएगा ना टॉरस में आएगा नहीं, नहीं नहीं जुपिटर के पहली राशि में भी जैसे ही वो कृतिका में जाएगा अच्छा तो थिंग्स इंप्रूव हो जाएंगी जरूरी नहीं कि सेकेंड राशि में आए हम्म 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 बट मेरे को जॉब के लिए सान का देखना होगा इसी बेटन के लिए देखना है बट वो व्यक्ति का भाग्य उसकी किस्मत विल कम गुड ना हुँ। तो हुँ। उस पारा से निकल गया अब इस जातक के लिए मैं जाना है तो प्रॉब्लम ज्यादा होंगी हाँ जी भरनी से निकलते में आके वो तो मित्र में आ जाएगा हाँ जी तो बढ़िया हो जाएगा हाँ जी हाँ जी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी हम्म 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 भाग्य भी काम करेगा किस्मत भी करे, करेगी काम हम्म 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 मतलब ये लुक लाइक है यार मैं काम बंद कर करूँ ठीक है वैसा वैसा होगा स्टोरी ठीक है ठीक है सर क्योंकि यही है कि जब न्यायधारा में जा रहा है तो भाई अपनी किताब बंद करो अभी इसमें एंड कर दी है इट इज द एंड

Hmm. तो कभी कभी आप बड़े खुश होते हो तब संपत्त में होता है अति मित्र hmm. में होता है है यू फील वेरी हैप्पी डे ठीक चलिए फिर आरुषि जी जी प्रकाश जी आपका कोई सवाल है तो बताइएगा so we'll Oh, no, my shoes.